हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सूरा राय पोत्रु जिसको हिंदी में नाम दिया हुआ है उड़ान सूरा राय पोत्रु का मीनिंग होता है प्रेज द ब्रेव इसके अलावा इस फिल्म के रिगार्डिंग में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ साथ ही मैं फिल्म से जुड़ी जितनी भी छोटी बड़ी अपडेट है वो आपके साथ शेयर करूंगा इसके अलावा फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उड़ान साथ ही में तमिल और तेलुगु वर्जन जो सूरा राय पोत्रो के नाम से रिलीज किए गए हैं वो कहाँ पे आपको फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर भी डिटेलिंग दूंगा फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे और किस तरह से फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार की गई थी उसके ऊपर भी डिटेलिंग दूंगा इसके अलावा इसका रिमेक कब बनने वाला है कहाँ पे बनने वाला है कौन से हीरो है हिंदी वर्जन के रिमेक में उन सभी चीजों के ऊपर भी डिटेल देने वाला हूँ तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहे तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं सूरा राय पोत्रू जो दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है सुधा कोंगारा ने इसके अलावा फिल्म के जो स्टोरी आइडिया है वो भी सुधा कोंगारा का ही था स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट वो सुधा कोंगारा के ही आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे स्क्रीन प्ले में उनको साले ने उषा देवी और विजय कुमार ने हेल्प की हुई थी और इस फिल्म की जो कहानी है जो आईडिया है वो सिंपली फ्लाई अ डेकन और से जो जी आर गोपीनाथ की एक बुक है उसके ऊपर बेस्ड है वहाँ से इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है हाँ फिल्म की कहानी में जरूर थोड़ी बहुत लिबर्टी ली हुई है सिनेमेटिक लिबर्टी ली हुई है लेकिन ओवरऑल फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है बेज जो मेन कोर पॉइंट है वो वहाँ से उठाया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो फिल्म के लीड एक्टर जो सूर्या है वही इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं साथ ही में उनके साथ गुणित मोंगा करके प्रोड्यूसर है वो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जहां पे सूर्या और गणित मोंगा जो अपनी खुद खुद की प्रोडक्शन कंपनी है टू एंटरटेनमेंट और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट इन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अब बात करें फिल्म के लीड कास्ट की तो आपको लीड रोल में सूर्या मोहन बाबू परेश रावल और अपर्णा बाला मुरली देखने को मिलेंगे इसके अलावा काफी बड़ी लंबी सपोर्टिंग कास्ट है जहां पे उर्वशी करुणास विवेक प्रसन्ना कृष्णा कर कुमार काली वेंकट अच्युत कुमार जी नाना संभनम विनोदी विद्यानाथन विशालिनी प्रकाश बेलवाडी रामचंद्रन दुराईराज आर एस शिवाजी पू रामू धन धनोआ प्रिया प्रिंसरा सुपर गुड सुब्रमणि इलान इयाल सोप शेखर सोम शेखर सेंथिल कुमार वर्षा नेर आरजे आनंदी और शेख मेटेन जहाँ पे सेंथिल कुमार का आपको एक स्पेशल अपीरेंस देखने को मिलेगा तो ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में है तो ये सभी एक्टर मिलकर फिल्म में काम किया हुआ है मैं आगे आपको डिटेलिंग दूंगा कौन सा कैरेक्टर क्या रोल प्ले कर रहा था यानी कि कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा था उसके ऊपर भी डिटेलिंग देने वाला हूँ तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे तो अब बात करते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट की तो जिस तरह से कहा कि स्क्रीन प्ले सुधा कोंगारा का शालिनी उषा देवी और विजय कुमार का स्टोरी आइडिया और डायरेक्शन सुधा कोंगारा का है उसके बाद निरेशन किया हुआ है आर माधवन ने जिन्होंने तमिल वर्जन इस फिल्म को नेरेट किया हुआ था सिनेमेटोग्राफर यानी कि कैमरा वर्क देखने को मिलेगा निकेत बोमी रेड्डी का एडिटिंग किए हुए सतीश सूर्या ने म्यूज़िक दिया हुआ है जीवी प्रकाश कुमार ने जो खुद एक लीड एक्टर भी है डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन कोविड की जो प्रोटोकॉल आए थे जिस तरह से थिएटर में ऑडियंस नहीं जा रही थी उस हिसाब से इस फिल्म को डायरेक्ट ओ पे रिलीज़ कर दिया गया था और उसके बाद इस फिल्म के बाद जिसके साथ ओ की डील की हुई थी वो थी अमेजोन प्राइम वीडियो तो अमेजोन प्राइम वीडियो के साथ सूर्या ने अपने प्रोडक्शन के नीचे दो चार पांच फिल्में बनी है उसका डायरेक्ट ओ रिलीज के लिए साइन किया हुआ है यानी कि उन दोनों के बीच में कुछ चार पांच फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहाँ पे सूरा राय पोत्रू के बाद जय भीम भी वहाँ पर ओ टी पे रिलीज हुई है जो सूरा राय पोत्रू से भी बड़ी धूम मचाई हुई थी उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे अभी बात कर लेते थे इस फिल्म की कहानी के रिगार्डिंग जिस तरह से ने कहा कि यह फिल्म की कहानी किसी कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, जो किसी बुक, बुक, बुक पॉइंट के के और साथ ही मैं फिल्म की रिव्यू भी दूंगा और फिल्म की कहानी भी सुनाऊंगा तो वीडियो अभी काफी बेहतरीन होने वाला है तो जरूर अंत तक देखेगा तो सूरा पोत्रु का जो हिंदी वर्जन है उसकी कहानी से पहले मैं आपको बता दूँ इस फिल्म के रिलीज के रिगार्डिंग तो 12 नवंबर 2020 को इस फिल्म को करीबन 150 मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था जहां पे एडिटर सात्या सूर्या ने फिल्म को करीबन 145-50 मिनट का रखा हुआ था तमिल वर्जन के साथ साथ इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में भी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था उसके बाद फिल्म को हिंदी डब वर्जन में एक महीने के बाद अमेजोन प्राइम वीडियो ने गोलमैस के साथ मिलकर कोलाबरेट करके इस फिल्म को रिलीज़ किया करा था जिसका नाम रखा गया था उड़ान तो नाम भी अच्छा है कहानी जो जिस तरह की कहानी है उस हिसाब से नहीं मिलेंगे अब सुराराय पोत्रू का मैं आपको अभी रिव्यू बताने वाला हूँ जहां पे फिल्म की कहानी के साथ प्लस और माइनस पॉइंट और टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में हम बात करेंगे तो अब सुरा राय पोत्रो के रिव्यू के ऊपर हम चाहते हैं तो फिल्म की कहानी के ऊपर बात करेंगे जहाँ पे चंद महेश जिसका रोल प्ले करे सूर्या जो एक वेल एजुकेटेड यूथ है और उसका सपना काफ़ी बड़ा है उसका सपना ये है कि वो एक बड़ी एयरलाइन स्टार्ट करे जहाँ पे वो इसे उसके लिए पायलट की कोर्स करता है उसकी पढ़ाई करता है और वो एक पायलट भी बन जाता है जैसे समय बीतता है उसके फ्रेंड्स के साथ वो जॉब कर रहा होता है जो वेल सेटल जॉब रहती है उस जॉब को वो छोड़ देता है अपने ड्रीम को पाने के लिए सभी दोस्त मिलकर वो जॉब छोड़ देते हैं वो एक पहली लो कॉस्ट एयर एयर डेक एयर स्टार्ट करना एयरलाइन स्टार्ट करना चाहते जिसके लिए उन्होंने ये जॉब छोड़ी हुई है तो अब ये सूर्या का जो कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है नीडो मारन जिसको ये जॉब छोड़ने की वजह से काफ़ी सारा ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं लेकिन वो अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहता है और साथ ही में वो कुछ बड़े नाम है इस इंडस्ट्री में जैसे कि परेश गोस्वामी यानी कि जो रोल प्ले करे परेश रावल उनके साथ मीटिंग करने की ट्राई करता है लेकिन वहाँ से उनको उतनी बढ़िया तरीके से हेल्प नहीं मिलती है उल्टा उनकी तरफ से जो उनको बाहर निकालने की ज़्यादातर धमकियाँ दी जाती है तो उसकी बात की कहानी ये है कि निडू मारन किस तरह से अपने सपनों को फुलफिल करेगा साथ ही में जो डेकन एयर है उनकी जो कंपनी है जहाँ पे वो लो कॉस्ट एयरलाइन स्टार्ट करना चाहते उसको वो कैसे कंप्लीट करेगा उसको लॉन्च कैसे करेगा उस उस सभी चीज़ों को करने के लिए उसको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा वही सब जर्नी आपको फिल्म में देखने को मिलेगी जिसको काफ़ी बेहतरीन वे में सुधा कोंगारा जी ने दिखाई हुई है इस फिल्म के प्लस और इनकी बात करें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सूर्या उन्होंने इस फिल्म में अपने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है इसके बाद जय भीम आई हुई थी वहां पे उनकी परफॉर्मेंस इससे भी बेहतर नजर आएगी इंटेंसिटी फिल्म में जो इस तरह से देखने को मिलती है वो सभी चीज़ें सूर्या ने अपने कैरेक्टर में बढ़िया तरीके से डाली हुई है अभी तक उनकी जितनी भी परफॉर्मेंस उनकी देखने को मिली है उसके मुकाबले इस फिल्म के परफॉर्मेंस कुछ अलग ही लेवल वाली देखने को मिलती है सीन बाय सीन वो जिस तरह से अपने कैरेक्टर के साथ चीज़ें डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं वो आपको इम्प्रेस कर देंगे साथ ही में उनके कैरेक्टर में जो एक सपने फुलफिल करने के जो एक जुनून दिखाया हुआ है उस जुनून के प्रति उनका कैरेक्टर किस तरह से एक पागलपन वाला देखने को मिलता है उन सभी चीजों में उन्होंने बढ़िया तरीके से बैलेंस करके अपना काम दिखाया हुआ है इंटरवल सीन में जिस तरह से जो सभी चीजें दिखाई हुए सपना टूट जाता है उन सभी चीजों को किस तरह से वो उन्होंने क्रिएट किया हुआ है साथ ही में जो क्लाइमेक्स एपिसोड क्रिएट किया हुआ है वो सभी चीजें हमारे इमोशंस को काफी बढ़िया तरीके से पकड़ती है उन सभी इमोशंस का एक रोलर कोस्टर आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करेगा सूर्य परफेक्ट वे में पूरा सो स्टील करते हुए नजर आते हैं वो स्टील द सो वाला जो लाइन होता है ना उसी टाइप का ही काम था उनका फिल्म में फर्स्ट सीन से लेकर आश लास्ट सीन तक वही आपको पूरी तरह से अपने फिल्म के प्रति बांध के रखेंगे जिसकी वजह से फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग और साथ ही में इम्प्रेसिव काम नजर आएगा और इस फिल्म में आपको वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर की बात करें सूर्या के अलावा तो अपर्णा बाला मुरली जो सेकंड जो हीरोइन का रोल प्ले कर रही है और उन्होंने सूर्या के कैरेक्टर को जिस तरह से सपोर्ट किया हुआ था आप सुप वे में इम्प्रेस हो जाओगे उनका वो परफॉर्मेंस काफ़ी मेच्योरिटी वाला नजर आ रहा था उसमें जिस तरह से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की हुई है जिस तरह सूर्य के साथ में उनकी केमिस्ट्री देखने को मिलती है उनके लुक्स, उनके लुक्स एक्सप्रेशन उनके बॉडी लैंग्वेज वो जिस तरह से अपने इमोशंस डिलीवर करती है उनके फेशियल एक्सप्रेशन उन सभी चीजों में वो बढ़िया नजर आ रही थी सूर्य के साथ इतनी सॉलिड वे में उन्होंने केमिस्ट्री क्रिएट की हुई थी जो फिल्म के बेसिक और मेजर एसेट है जो फिल्म के प्रति हमें और बेहतर वे में कनेक्ट करते हैं और उन्होंने जिस तरह से उनके वाइफ के रोल में अपना डिलीवर परफॉर्मेंस डिलीवर किया वो सुप्रीमरी वेल नजर आ रहा था मोहन बाबू उनके पास उतना स्क्रीन टाइम नहीं था लेकिन तीन चार सीन में भी वो हमें आसानी से इंप्रेस कर जाते हैं उनका वो कैरेक्टर बढ़िया तरीके से एक डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहता है जिस वजह से फिल्म के वो छोटे मोटे किरदार भी आपके दिमाग में छप जाते हैं साथ ही में दूसरे सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने जिस तरह से काम किया हुआ था वो नेचुरल और बढ़िया नज़र आ रहा था इस फिल्म की सबसे बड़ी बात वो इमोशनल एस्पेक्ट फिल्म के जो इमोशनल चीजें उसको डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था साथ ही में उन सभी चीजों को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है जिस तरह से एक नेरेशन दिखाया हुआ है उसके ऊपर सभी एक्टर की जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है तो वो सभी चीजें फिल्म को और ज्यादा स्ट्रोंग कर रही थी इमोशन बढ़िया तरीके से हमारे लिए वर्क करते हुए नजर आते जिस वजह से फिल्म के जो एक सपना होता है कि एक एयरलाइन स्टार्ट करना है लो कॉस्ट वाली तो उन सभी चीजों में जो इमोशन अलग अलग तरीके से हमारे सामने पेश किए जाते का का रिलेशन हस्बैंड वाइफ एंगल देखने को मिलता है और परेश राव के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट देखने को मिलता है तो उन सभी एपिसोड को इतना बेहतरीन इमोशनली कनेक्ट किया हुआ है इमोशन के साथ दिखाया हुआ है जो हमें काफी बढ़िया तरीके से ग्रिपिंग मैनर में पेश करते हुए नजर आते हैं तो वो एपिसोड हमें जरूर कनेक्ट करते हैं और एंगेजिंग भी रखते हैं परेश रावल जो अपने रोल में काफ़ी क्लासी नज़र आ रहे थे वैसे तो उनके एक्टिंग पे सवाल उठाना मतलब कि काफ़ी बड़ी बात हो गई वो अपने परफॉर्मेंस से काफ़ी बढ़िया तरीके से देव्थ क्रिएट करने में कामयाब रहे उनके परफॉर्मेंस फिल्म को और भी बेहतर लेवल पर ले जाती है जिस तरह से उनके कॉन्फ्लिक्ट प्लॉट देखने को मिलते हैं सूर्या के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ है वो कन्फ्रंटेशन वाले सीन काफ़ी बढ़िया थे वो सभी चीज़ें फिल्म को और देव्थ क्रिएट करने में कामयाब रहती है इन सभी चीज़ों के अलावा जो प्रोडक्ट प्रोडक्शन डिजाइन आपको देखने को मिलती है वो बढ़िया थी फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू हाई नजर आ रही थी काफी सॉलिड प्रोडक्शन डिजाइन थी साथ ही में जो विजुअल्स थे वो बढ़िया तरीके से जो इरा दिखाया हुआ था जो समय गाला दिखाया हुआ था उसको सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सुपर मेनर में क्रिएट किया हुआ था साथ ही में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके कुछ ऐसे सिक्वेंस देखने को मिलते जो आप में काफ़ी बढ़िया तरीके से घुसबम क्रिएट कर देंगे जो सिक्वेंस और सीनारियो दिखाया होता वहाँ पर आपको आ, आर्ट वर्क काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा और आर्ट डायरेक्टर ने जिस तरह से उन सभी चीज़ों को क्रिएट किया हुआ है वो आपका दिल जीत लेंगे क्योंकि उन सभी चीज़ों में आपको एक नेचुरिटी ज़रूर नजर आएगी और उन्हीं के साथ जो गुशबं वाले सीन देखने को मिलते हैं उसमें डायरेक्टर की तारीफ करने पड़ेगी जो गुशबंग ओरिएंटेड सीन्स थे उसको काफी वेल तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था जो आपको इम्प्रेस भी करेंगे एंगेजिंग एंगेजिंग भी रखेंगे और फिल्म का जो नरेशन है वो अंत तक आपके साथ बने रहेगा माइनस पॉइंट की बात करें तो फिल्म काफी सीरियस नोट के साथ चलती रहती है जहाँ पे रेगुलर ऑडियंस है जो फिल्म के प्रति जो सूर्य की फिल्में देखते आई है उनको एक्शन चाहिए या फिर कुछ कॉमेडी रोमांस ये सभी चीज़ें चाहिए तो वो इस फिल्म में ज़रूर उनको मिसिंग लगेगी हालांकि ये फिल्म का टोन ही अलग है तो उस टाइप की ऑडियंस शायद इस फिल्म से इस फिल्म को देखने आएगी तो अगर वो देखेगी तो वो शायद डिसअपॉइंट हो सकती है अदरवाइज फिल्म काफ़ी मजबूत और भारी है फिल्म की पेस ज़रूर थोड़ी स्लो नज़र आएगी कहाँ पर जिस तरह से स्टोरी को अनफोल्ड किया जाता है वो थोड़ी

फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो दिखाया हुआ था कि सूर्य किस तरह से एयरलाइन स्टार्ट करने के लिए पैसा इकट्ठा करता है तो उन, उन सभी पॉइंट को उतना बेहतर वे में वो नहीं दिखा पाए जहाँ पे वो एक टाइम पे पंद्रह हजार रुपए के लिए भी अपने पास नहीं थे जहाँ पे उन, उस पैसे के लिए वो स्ट्रगल रहे थे तो उसके बाद में उनका जो एयरलाइन स्टार्ट करने का सपना वो सभी चीजें थोड़ी आर्टिफिशियल नजर आ जाती है थोड़ी लाइन खींचती हो ऐसा नज़र आता है बाकी ओवरऑल फिल्म काफी बेहतरी थी टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट इतने स्ट्रोंग नजर आएंगे जिस वजह से फिल्म टेक्निकली काफी स्ट्रोंग नज़र आती है एक पॉइंट तो वही है जो फिल्म आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करके रखती है म्यूजिक की बात करें बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो फिल्म के सबसे मेजर प्लस पॉइंट है जहाँ पे जी वी प्रकाश कुमार जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है वो बढ़िया तरीके से इस फिल्म में अपना म्यूजिक देते हुए नजर आते इस प्रोसीडिंग में वो अच्छा तरीके से अपन को फील करवाने में कामयाब रहते हैं जिस तरह से मैंने कहा कि फिल्म में काफ़ी सारे इमोशनल एंगल देखने को मिलते है उन सभी एंगल को अच्छी तरह से हमारे सामने वो अपने म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट करने में कामयाब रहते हैं उन सभी इमोशंस को म्यूजिक के थ्रू अच्छी तरह से कनेक्ट करने में कामयाब रह जाते कैमरा वर्क काफी शानदार देखने को मिलता है सिनेमेटोग्राफर ने

इसके अलावा फिल्म की जो हिंदी डब वर्जन की डबिंग है वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती है हाँ परेश रावल वाले के दर की डबिंग उतनी खास नहीं की गई लेकिन ओवरऑल डबिंग की बात कर काफी बेहतरीन देखने को मिलती है इसके अलावा फिल्म में जो कॉस्ट्यूम डिजाइन देखने को मिलता है वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से प्लान किया हुआ था सभी चीज़ें परफेक्टली प्लान करके क्रिएट की हुई थी जो आपको जरूर फिल्म देखते हुए महसूस होगी डायरेक्टर सुधा कोंगारा जो एक बार फिर से अपनी फिल्मों से प्रो करती हुई नज़र आती है कि उनकी फिल्म देखने लायक क्यों होती है इससे पहले उनकी जो साला खडूस फिल्म आई थी वो भी उतनी ही बेहतरीन फिल्म थी इस फिल्म में वो जिस तरह से हमारे सामने कुछ बेहतरीन वे में फिक्सनल एलिमेंट के साथ वो इफेक्ट्स को दिखाने में कामयाब रही है जो जिस तरह से मेनका की फिल्म की कहानी एक बुक के ऊपर बेच रहे तो वहाँ से कुछ कोर पॉइंट उठाकर जो फिक्सनल एलिमेंट एड करके उन्होंने जिस तरह फिल्म को नेरेट किया हुआ है तो वो सभी चीज़ें इंगेजिंग और एंटरटेनिंग नज़र आ रही थी

है उन सभी चीज़ों को उन्होंने काफ़ी बेहतरीन वे में हमारे सामने पेश किया हुआ है तो सुधा कोंगारा पूरी तरह से अपनी फिल्म के साथ हमें बनाए रखती है जिस वजह से ये फिल्म का नरेशन काफ़ी मजबूत था इमोशनल पार्ट काफ़ी मजबूत थे एक्टिंग काफ़ी मजबूत थी म्यूजिक काफ़ी मजबूत था कैमरा वर्क काफ़ी बेहतर था डबिंग इतनी बेहतरीन थी तो फिल्म में खामियां काट निकालना बहुत कम है कमियां बहुत कम है फिल्म में हाँ एक दो कमी आपको शायद खल सकती है बाकी ओवरऑल बात करें तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसे मिस नहीं करना चाहिए एक क्लास ऑडियंस के लिए बनी फिल्म है मास ऑडियंस को भी पसंद आएगी और फैमिली को भी पसंद आएगी अगर वो इस फिल्म में इन सभी एस्पेक्ट को देख फिल्म देखते हैं तो और बेहतर रहेगी तो ओवरऑल बात करें तो आप सूरा राय पोत्रू जिसको तेलुगु में नाम दिया था आकाशम नी हाडूरा और इसके अलावा हिंदी में नाम दिया था उड़ान तो इस फिल्म को आप तो जरूर देखना चाहिए ये फिल्म इस तरह से डायरेक्टर ने बनाई हुई है जिस वजह से एक मोटिवेशन भी मिलता है साथ ही में फिल्म आपको बढ़िया तरीके से कनेक्ट भी करके रखती है जहाँ पे सूर्य सूर्या का अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर में जो इमोशन का रोलर कोस्टर दिखाया हुआ है जिस ड्रीम फुलफिल करने में जो इमोशंस दिखाए हुए वो बढ़िया थे फिल्म का सेटअप अच्छा था स्टोरी बढ़िया थी उसका नरेशन बढ़िया था अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिलते प्रोडक्शन वैल्यू सुपअप थी वे इफेक्ट्स अच्छा था म्यूजिक उससे भी शानदार था एंगेजिंग ड्रामा देखने को मिलता है साथ ही में सीन बाई सीन जिस तरह से जो सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो और भी बेहतरीन तरीके से हमारे सामने कनेक्ट होता है तो फिल्म की अगर थोड़ी बहुत स्लो पेस को आप इग्नोर कर दोगे तो ये एक वेल मेड रिसेंट टाइम की फिल्म है जो क्लास ऑडियंस के साथ सभी ऑडियंस को पसंद आएगी जहाँ पे आप जरूर इस फिल्म के थ्रू इंस्पायर होंगे तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए मिस नहीं करनी चाहिए अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म को हिंदी में डब करवाए तमिल में भी अपलोड किया हुआ है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह फिल्म अगर आपके पास सब्सक्रिप्सन है तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो जहाँ पे

परेश गोस्वामी के रोल में दिखाई देंगे अपर्णा बाला मुरली को सुंदरी बोम्मी नि यानी कि मारकी वाइफ का रोल दिया गया है उर्वशी जो पेची यानी कि मार की माँ के रोल में दिखाई देंगी करुणा जिनको अल्पराय का रोल दिया गया है विवेक प्रसन्ना जो स्टेबस्टियन के रोल में दिखाई देंगे कृष्णा कुमार जिनको चैतन्य चय राव का रोल दिया गया है काली वेंकट को काली का रोल दिया गया है अच्युत कुमार आनंदा नारायण का रोल में दिखाई देंगे जी ज्ञान संबंधम जो चिन्ना स्वामी यानी कि बॉम्मी के फादर के रोल में दिखाई देंगे विनोदिनिय विद्यनाथन जो चित्र रामास्वामी के रोल में दिखाई देंगे विशालिनी जो मुथु लक्ष्मी बॉम्मी की माँ के रोल में दिखाई देंगी प्रकाश बेलवाड़ी जिन्होंने प्रकाश बाबू का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्रन दुराईराज जिन्होंने अरिवू आर एस शिवाजी ने अनंत नारायण पाका और पू रामू ने राजंगम मारा के फादर के रोल में दिखाई देंगे डान धनो तो जिन्होंने विमल पलैया का रोल प्ले किया हुआ है प्रिया प्रिंस जिन्होंने सेबी की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है कासंद्रा ने प्रीति यानी कि चेस के लवर का रोल प्ले किया हुआ है सुपर गुड़ सुब्रमण्य को मैरिज ब्रोकर के रोल में दी डि, रोल दिया गया था इलान सेबिश के सन और इयाल भी सेबिश के डॉटर के रोल में दिखाई देती है सोम शेखर जिनको आई एफ कैडेट का रोल दिया गया है सेंथिल कुमार जो अपने ही सेंथिल कुमार के ही के कैरेक्टर में स्पेशल अपेयरेंस देते हुए नज़र आएंगे वर्षा नायर जो एक पायलट के रोल में है आर जे आनंदी जो स्ट्यू रोडर के रोल में दिखाई देती है शेख मेडन जो ए पी जे अब्दुल कलाम के किरदार में दिखाई देंगे तो यही सभी एक्टर है जिन्होंने इन सभी कैरेक्टर को डिलीवर किया हुआ है जो भी मैंने आपको कहानी बताई उसमें ये सभी रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे डेवलपमेंट की बात करें तो 2009 में सुधा सुधा कोंगारा ने इस फिल्म के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट किया था और उसके बाद में फाइनली फिल्म का जो कहानी है जो कास्टिंग है वो सभी कंप्लीट करने के बाद 13 अप्रैल 2019 को फिल्म का टाइटल सोरा राय पोत्रो फ्थ पोस्टर रिलीज कर दिया गया था और उसके बाद में फिल्म को जो कोविड 19 के चलते काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे बेच दिया गया था जिसको ओटीटी पे अच्छी खासी प्राइस में बेचा गया था करीबन इस फिल्म को, को इस फिल्म से प्रोड्यूसर्स को शायद तीस चालीस करोड़ का मुनाफा हुआ था उसके बाद फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो ने भी सूर्या के प्रोडक्शन के साथ चार पाँच फिल्मों का साइन किया हुआ था जहाँ पे जय भीम भी शामिल है जो भी काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी जो इससे बड़ी तरीके से वर्क कर गई थी सुरा पत्रों के साउंड ट्रेक की बात करें तो वो 2019-20 में रिकॉर्ड किया गया था सोनी म्यूजिक के पास इस फिल्म के राइट से जी वी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है जो जुलाई दो में सोनी म्यूजिक के द्वारा इस फिल्म के ऑडियो को रिलीज किया गया था इसके अलावा इस फिल्म को सभी वर्जन में डब किया गया है जहाँ पे फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है सूरा राय पोत्रो उसमें टोटल नौ सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे उन सॉन्ग्स की लेंथ है इकतीस मिनट पच्चीस सेकंड जहां पे कुछ सॉन्ग्स फिल्म के स्टोरी के रिगार्डिंग काफी बेहतरीन वे में आपको कनेक्ट करते हुए काम आएंगे बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करेंगे अब इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स की बात करें तो तमिल तेलुगू मलयालम और कन्नड़ा जो टोटल चार वर्जन है साउथ इंडियन उसके सभी राइट्स सन टीवी के नेटवर्क के पास है सन नेटवर्क ने इसके राइट्स खरीदे हुए हैं जिन्होंने इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल के मौके पर किया हुआ था थिएट्रिकली जैसे कि मैंने कहा था तेईस अगस्त दो हज़ार इक्कीस को इस फिल्म में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन बाद में कोविड नाइन्टीन के चलते चीज़ें सही नहीं गई चीज़ों को सही नहीं जाने की वजह से थिएटर अच्छे नहीं चल रहे थे थिएटर में फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी थी प्रॉपर वे में ऑडियंस नहीं आ रही थी जिस वजह से रिस्क ना लेते हुए उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट ओ टी टी प्लेटफॉर्म को बेच दिया जिसके बाद अमेजॉन प्राइम वीडियो ने अच्छी खासी प्राइज में इस फिल्म को खरीदा और रिलीज़ किया और रिलीज़ के बाद अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला जिस वजह से फिल्म को बाद में लेटर में हिंदी डब करवाया गया जिसको गोलमाइंस वालों के साथ कंबाइन होकर Amazon Prime Video ने इस फिल्म को डब किया हुआ है जिसकी डबिंग काफ़ी बेहतरीन है और इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन को उडान के नाम के साथ रिलीज़ किया गया था तो ओवरऑल ये फिल्म आपको एज ए पेन इंडिया तौर पे रिलीज होती हुई नजर आई होगी जिसको इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था ओ टी टी एमेज़ॉन प्राइम तो ये फिल्म अभी आपको फिलहाल में ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो पे देखने को मिलने वाली है जहाँ पे सोरा राय पोत्रो के नाम से तमिल में दूसरे सभी वर्जन के साथ कन्नड़ा तेलुगू मलयालम और हिंदी वर्जन में उड़ान के साथ ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी तो अगर आपको ये फिल्म देखनी है हिंदी वर्जन भी देखना है या ओरिजिनल तमिल वर्ज़न देखना है तो आपको ये फिल्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पे ही ऑफिशियली देखने को मिलेगी अगर आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो ये फिल्म आप बिल्कुल वहाँ पे सूरा राय पोत्रू के नाम से तमिल में और उड़ान के नाम से हिंदी में विथ इंग्लिश सब के साथ देख सकते हो जो आपको ज़रूर देखना चाहिए ये काफ़ी अमेजिंग फिल्म है इसे मिस नहीं करना चाहिए हिंदी वर्जन चार अप्रैल दो को रिलीज़ किया गया था जिसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स

और इस फिल्म की जो कहानी है जो आइडिया है वो सिंपली फ्लाई अ डेकन और से जो जी आर गोपीनाथ की एक बुक है उसके ऊपर बेस्ड है वहाँ से इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है हाँ फिल्म की कहानी में जरूर थोड़ी बहुत लिबर्टी ली हुई है सिनेमेटिक लिबर्टी ली हुई है लेकिन ओवरऑल फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है बेज जो मेन कोर पॉइंट है वो वहाँ से उठाया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो फिल्म के लीड एक्टर जो सूर्या है वही इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं साथ ही में उनके साथ गुणित मोंगा करके प्रोड्यूसर है वो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जहां पे सूर्या और मोंगा जो अपनी खुद खुद की प्रोडक्शन कंपनी है टू एंटरटेनमेंट और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट इन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अब बात करें फिल्म के लीड कास्ट की तो आपको लीड रोल में सूर्या मोहन बाबू परेश रावल और अपर्णा बाला मुरली देखने को मिलेंगे इसके अलावा काफी बड़ी लंबी सपोर्टिंग कास्ट है जहां पे उर्वशी करुणास विवेक प्रसन्ना कृष्णा कर कुमार काली वेंकट अच्युत कुमार जी ज्ञान संभनम विनोदी विद्यानाथन विशालिनी प्रकाश बेलवाड़ी रामचंद्रन दुराईराज आर एस शिवाजी पू रामू धन धनोआ प्रिया प्रिंस कसंद्रा सुपर गुड सुब्रमणि इलान इयाल सोम शेखर सेंथिल कुमार वर्षा नेर आरजे आनंदी और शेख जहां पे सेंथिल कुमार का आपको एक अपीयरेंस देखने को मिलेगा तो ये तो ये ये सभी सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में हैं एक्टर मिलकर फिल्म में काम किया हुआ है मैं आगे आपको डिटेलिंग दूंगा कौन सा कैरेक्टर क्या रोल प्ले कर रहा था यानी कि कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा था उसके ऊपर भी डिटेलिंग देने वाला हूँ तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे तो अब बात करते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट की तो जिस तरह से कहा कि स्क्रीन प्ले सुधा कोंगारा का सालिनी उषा देवी और विजय कुमार का स्टोरी आइडिया और डायरेक्शन सुधा कोंगारा का है उसके बाद निरेशन किया हुआ है आर माधवा ने जिन्होंने तमिल वर्जन इस फिल्म को नेरेट किया हुआ था सिनेमेटोग्राफर यानी कि कैमरा वर्क देखने को मिलेगा निकेत बोमी रेड्डी का एडिटिंग किए हुए सतीश सूर्या ने म्यूज़िक दिया हुआ है जीवी प्रकाश कुमार ने जो खुद एक लीड एक्टर भी है डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन कोविड की जो प्रोटोकॉल आए थे जिस तरह से थिएटर में ऑडियंस नहीं जा रही थी उस हिसाब से इस फिल्म को डायरेक्ट ओ पे रिलीज़ कर दिया गया था और उसके बाद इस फिल्म के बाद जिसके साथ ओ की डील की हुई थी वो थी अमेजोन प्राइम वीडियो तो अमेजोन प्राइम वीडियो के साथ सूर्या ने अपने प्रोडक्शन के नीचे दो चार पांच फिल्में बनी है उसका डायरेक्ट ओ रिलीज के लिए साइन किया हुआ है यानी कि उन दोनों के बीच में कुछ चार पांच फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहाँ पे सूरा राय पोत्रू के बाद जय भीम भी वहाँ पर ओ टी पे रिलीज हुई है जो सूरा राय पोत्रू से भी बड़ी धूम मचाई हुई थी उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे अभी बात कर लेते थे इस फिल्म की कहानी के रिगार्डिंग जिस तरह से ने कहा कि यह फिल्म की कहानी किसी कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है जो किसी बुक लिखी किसी ने बुक लिखी हुई थी उस बुक पे से फिल्म की कहानी का जो कोर पॉइंट है वो उठाया हुआ है इसके अलावा अभी मैं आपको फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के प्लस माइनस पॉइंट और साथ ही मैं फिल्म की रिव्यू भी दूंगा और फिल्म की कहानी भी सुनाऊंगा तो वीडियो अभी काफी बेहतरीन होने वाला है तो जरूर अंत तक देखिएगा तो सूरा राय पोत्रु का जो हिंदी वर्जन है उसकी कहानी से पहले मैं आपको बता दूँ इस फिल्म के रिलीज़ के रिगार्डिंग तो 12 नवंबर 2020 को इस फिल्म को करीबन 150 मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था जहां पे एडिटर सात्या सूर्या ने फिल्म को करीबन 145-50 मिनट का रखा हुआ था तमिल वर्जन के साथ साथ इस फिल्म को तेलुगु वर्ज़न में भी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया था उसके बाद फिल्म को हिंदी डब वर्जन में एक महीने के बाद अमेज़न प्राइम वीडियो ने गोलमैस के साथ मिलकर कोलाबोरेट करके इस को रिलीज किया था जिसका नाम रखा गया था उड़ान तो नाम भी अच्छा है कहानी जो जिस तरह की कहानी उस हिसाब से ये ना कि बेतुका नाम रखा हुआ है जैसे कि सराय नोडू यानी दिल वाला और इस टाइप के कुछ नाम पहले आया करते थे उस टाइप के नाम भी इस फिल्म में देखने को नहीं मिलेंगे अब सुरा राय पोत्रो का मैं आपको अभी रिव्यू बताने वाला हूँ जहाँ पे फिल्म की कहानी के साथ प्लस और माइनस पॉइंट और टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में हम बात करेंगे तो अब सुरा राय पोत्रो के रिव्यू के ऊपर हम चाहते हैं तो फिल्म की कहानी के ऊपर बात करेंगे जहाँ पे चंद महेश स... जिसका रोल प्ले करे सूर्या जो एक वेल एजुकेटेड यूथ है और उसका सपना काफ़ी बड़ा है उसका सपना ये है कि वो एक बड़ी एयरलाइन स्टार्ट करे जहाँ पे वो इसे उसके लिए पायलट की कोर्स करता है उसकी पढ़ाई करता है और वो एक पायलट भी बन जाता है जैसे समय बीतता है उसके फ्रेंड्स के साथ वो जॉब कर रहा होता है जो वेल सेटल जॉब रहती है उस जॉब को वो छोड़ देता है अपने ड्रीम को पाने के लिए सभी दोस्त मिलकर वो जॉब छोड़ देते वो एक पहली लो कॉस्ट एयर

परेश गोस्वामी यानी कि जो रोल प्ले करे परेश रावल उनके साथ मीटिंग करने की ट्राई करता है लेकिन वहाँ से उनको उतनी बढ़िया तरीके से हेल्प नहीं मिलती है उल्टा उनकी तरफ से जो उनको बाहर निकालने की ज़्यादातर धमकियाँ दी जाती है तो उसकी बात की कहानी ये है कि निडु मारन किस तरह से अपने सपनों को फुलफिल करेगा साथ ही में जो डेकन एयर है उनकी जो कंपनी है जहाँ पर वो लो कॉस्ट एयरलाइन स्टार्ट करना चाहते उसको वो कैसे कंप्लीट करेगा उसको लॉन्च कैसे करेगा उस उस सभी चीजों को करने के लिए उसको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा वही सब जर्नी आपको फिल्म में देखने को मिलेगी जिसको काफी बेहतरीन वे में सुधा कुंगारा जी ने दिखाई हुई है इस फिल्म के प्लस पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सूर्या उन्होंने इस फिल्म में अपने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है इसके बाद जय भीम आई हुई थी वहां पर उनकी परफॉर्मेंस इससे भी बेहतर नजर आएगी इंटेंसिटी फिल्में जो इस तरह से देखने को मिलती है वो सभी चीजें सूर्या ने अपने कैरेक्टर में बढ़िया तरीके से डाली हुई है अभी तक उनकी जितनी भी परफॉर्मेंस उनकी देखने को मिली है उसके मुकाबले इस फिल्म के परफॉर्मेंस कुछ अलग ही लेवल वाली देखने को मिलती है सीन बाय सीन वो जिस तरह से अपने कैरेक्टर के साथ चीजें डिलीवर करते हुए नजर आते है वो आपको इंप्रेस कर देंगे साथ ही में उनके कैरेक्टर में जो एक सपने फुलफिल करने के जो एक जुनून दिखाया हुआ है उस जुनून के प्रति उनका कैरेक्टर किस तरह से एक पागलपन वाला देखने को मिलता है उन सभी चीजों में उन्होंने बढ़िया तरीके से बैलेंस करके अपना काम दिखाया हुआ है इंटरवल सीन में जिस तरह से जो सभी चीजें दिखाई हुए सपना टूट जाता है उन सभी चीजों को किस तरह से उन्होंने क्रिएट किया हुआ है साथ ही में जो क्लाइमेक्स एपिसोड क्रिएट किया हुआ है वो सभी चीजें हमारे इमोशंस को काफी बढ़िया तरीके से पकड़ती है उन सभी इमोशंस का एक रोलर कोस्टर आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करेगा सूर्या परफेक्ट वे में पूरा शो स्टील करते हुए नजर आते हैं वो स्टील द शो वाला जो लाइन होता है ना उसी टाइप कई काम था उनका फिल्म में फर्स्ट सीन से लेकर आ लास्ट सीन तक वही आपको पूरी तरह से अपने फिल्म के प्रति बांध के रखेंगे जिसकी वजह से फिल्म आपको काफी ज्यादा एंगेजिंग और साथ ही में इम्प्रेसिव काम नजर आएगा और इस फिल्म में आपको वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर की बात करें सूर्या के अलावा तो अपर्णा बाला मुरली जो सेकंड जो हीरोइन का रोल प्ले कर रही है और उन्होंने सूर्या के कैरेक्टर को जिस तरह से सपोर्ट किया हुआ था आप सुपर वे में इंप्रेस हो जाओगे उनका वो परफॉर्मेंस काफी मेच्योरिटी वाला नजर आ रहा था उसमें जिस तरह से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी किए हुई है जिस तरह सूर्य के साथ में उनकी केमिस्ट्री देखने को मिलती है उनके लुक्स उनके एक्सप्रेशन उनकी बॉडी लैंग्वेज वो जिस तरह से अपने इमोशंस डिलीवर करती है उनके फेशियल एक्सप्रेशन उन सभी चीजों में वो बढ़िया नजर आ रही थी सूर्य के साथ इतनी सॉलिड वे में उन्होंने केमिस्ट्री क्रिएट की हुई थी जो फिल्म के बेसिक और मेजर एसेट है जो फिल्म के प्रति हमें और बेहतर वे में कनेक्ट करते हैं और उन्होंने जिस तरह से उनके वाइफ के रोल में अपना डिलीवर परफॉर्मेंस डिलीवर किया वो सुप्रीमरी वेल नज़र आ रहा था मोहन बाबू उनके पास उतना स्क्रीन टाइम नहीं था लेकिन तीन चार सीन में भी वो हमें आसानी से इम्प्रेस कर जाते हैं उनका वो कैरेक्टर बढ़िया तरीके से एक डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहता है जिस वजह से फिल्म के वो छोटे मोटे किरदार भी आपके दिमाग में छप जाते हैं साथ ही में दूसरे सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने जिस तरह से काम किया हुआ था वो नेचुरल और बढ़िया नज़र आ रहा था इस फिल्म की सबसे बड़ी बात वो इमोशनल एस्पेक्ट फिल्म के जो इमोशनल चीजें उसको डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था साथ ही में उन सभी चीजों को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है जिस तरह से एक नेरेशन दिखाया हुआ है उसके ऊपर सभी एक्टर की जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है तो वो सभी चीजें फिल्म को और ज्यादा स्ट्रोंग कर रही थी इमोशन बढ़िया तरीके से हमारे लिए वर्क करते हुए नजर आते जिस वजह से फिल्म के जो एक सपना होता है कि एक एयरलाइन स्टार्ट करना है लो कॉस्ट वाली तो उन सभी चीजों में जो इमोशन अलग अलग तरीके से हमारे सामने पेश किए जाते हैं मदरसन का रिलेशन हस्बैंड वाइफ का एंगल देखने को मिलता है सूर्य और परस राहुल के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट देखने को मिलता है तो उन सभी एपिसोड को इतना बेहतरीन इमोशनली कनेक्ट किया हुआ है इमोशन के साथ दिखाया हुआ है जो हमें काफी बढ़िया तरीके से ग्रिपिंग manner में पेश करते हुए नजर आते हैं तो वो एपिसोड हमें जरूर कनेक्ट करते हैं और एंगेजिंग भी रखते हैं परेश रावल जो अपने रोल में काफ़ी क्लासी नज़र आ रहे थे वैसे तो उनके एक्टिंग पे सवाल उठाना मतलब कि काफ़ी बड़ी बात हो गई वो अपने परफॉर्मेंस से काफ़ी बढ़िया तरीके से देव्त क्रिएट करने में कामयाब रहे उनके परफॉर्मेंस फिल्म को और भी बेहतर लेवल पे ले जाती है जिस तरह से उनके कॉन्फ्लिक्ट प्लॉट देखने को मिलते हैं सूर्या के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ है वो कन्फ्रंटेशन वाले सीन काफ़ी बढ़िया थे वो सभी चीज़ें फिल्म को और देव्थ क्रिएट करने में कामयाब रहती है इन सभी चीज़ों के अलावा जो प्रोडक्शन डिजाइन आपको देखने को मिलती है वो बढ़िया थी फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू हाई नजर आ रही थी काफ़ी सॉलिड प्रोडक्शन डिजाइन थी साथ ही में जो विजुअल्स थे वो बढ़िया तरीके से जो इरा दिखाया हुआ था जो समय गाला दिखाया हुआ था उसको सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सुपर मैनर में क्रिएट किया हुआ था साथ ही में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके कुछ ऐसे सिक्वेंस देखने को मिलते हैं जो आप में काफ़ी बढ़िया तरीके से घुस बम क्रिएट कर देंगे जो सीक्वेंस सिक, और सीनारियो दिखाया होता था वहाँ पर आपको आर्ट वर्क काफी बढ़िया देखने को मिलेगा और आर्ट डायरेक्टर ने जिस तरह से उन सभी चीजों को क्रिएट किया हुआ है वो आपका दिल जीत लेंगे क्योंकि उन सभी चीज़ों में आपको एक नेचुरलिटी ज़रूर नजर आएगी और उन्हीं के साथ जो वाले सीन देखने को मिलते हैं उसमें डायरेक्टर की तारीफ करनी पड़ेगी जो गुजबम ओरिएंटेड सीन्स थे उसको काफी वेल तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था जो आपको इम्प्रेस भी करेंगे एंगेजिंग भी रखेंगे और फिल्म का जो नरेशन है वो अंत तक आपके साथ बने रहेगा माइनस पॉइंट की बात करें तो फिल्म काफ़ी सीरियस नोट के साथ चलती रहती है जहाँ पे रेगुलर ऑडियंस है जो फिल्म के प्रति जो सूर्य की फिल्में देखती आई है उनको एक्शन चाहिए या फिर कुछ कॉमेडी रोमांस ये सभी चीज़ें चाहिए तो वो इस फिल्म में जरूर उनको मिसिंग लगेगी हालांकि ये फिल्म का टोन ही अलग है तो उस टाइप की ऑडियंस शायद इस फिल्म से इस फिल्म को देखने आएगी तो अगर वो देखेगी तो वो शायद डिसअपॉइंट हो सकती है अदरवाइज फिल्म काफ़ी मजबूत और भारी है फिल्म की पेज जरूर थोड़ी स्लो नजर आएगी कहां पे जिस तरह से स्टोरी को अनफोल्ड किया जाता है वो थोड़ी डिटेलिंग मैनर में किया जाता है तो फिल्म के पहले दस मिनट आपको थोड़े फिल्म के टेन मिनट्स और पोस्ट इंटरवल इंटरवल के पहले वो थोड़े डल नज़र आएंगे थोड़ा मेलो ड्रामा देखने को मिलेगा कुछ स्ट्रगल वाले ली रिपेटिटिव सीन बार बार देखने को मिलेंगे सूर्य किस तरह से रिपेटिटिवली उन सभी चीज़ों को दिखाया जाता है स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं तो वो सभी चीज़ें शायद आपको थोड़ी ज़्यादा स्लो पेस करती हुई नज़र आएगी फिल्म को स्लो करती हुई नज़र आएगी इस फिल्म को थोड़ा फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो दिखाया हुआ था कि सूर्य किस तरह से एयरलाइन स्टार्ट करने के लिए पैसा इकट्ठा करता है तो उन जबी उन सभी पॉइंट को उतना बेहतर वे में वो नहीं दिखा पाए जहाँ पे वो एक टाइम पे पंद्रह हजार रुपये के लिए भी अपने वापास नहीं थे जहाँ पे उन, उस पैसे के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे तो उसके बाद में उनका जो एयरलाइन स्टार्ट करने का सपना वो सभी चीजें थोड़ी आर्टिफिशियल नजर आ जाती है थोड़ी लाइन खींचती हो ऐसा नजर आता है बाकी ओवरऑल फिल्म काफ़ी बेहतरी थी टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट इतने स्ट्रोंग नज़र आएंगे जिस वजह से फिल्म टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग नज़र आती है एक पॉइंट तो वही है जो फिल्म आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करके रखती है म्यूजिक की बात करें बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो फिल्म के सबसे मेजर प्लस पॉइंट है जहाँ पे जीवी प्रकाश कुमार जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है वो बढ़िया तरीके से इस फिल्म में अपना म्यूजिक देते हुए नजर आते इस प्रोसीडिंग में वो अच्छा तरीके से फील करवाने में कामयाब रहते हैं जिस तरह से मैंने कहा कि फिल्म में काफ़ी सारे इमोशनल एंगल देखने को मिलते हैं उन सभी एंगल को अच्छी तरह से हमारे सामने वो अपने म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट करने में कामयाब रहते हैं उन सभी इमोशंस को म्यूजिक के थ्रू अच्छी तरह से कनेक्ट करने में कामयाब रह जाते कैमरा वर्क काफ़ी शानदार देखने को मिलता है सिनेमेटोग्राफर ने

इसके अलावा फिल्म की जो हिंदी डब वर्जन की डबिंग है वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती है हाँ परेश रावल वाले के दर की डबिंग उतनी खास नहीं की गई लेकिन ओवरऑल डबिंग की बात कर काफी बेहतरीन देखने को मिलती है इसके अलावा फिल्म में जो कॉस्ट्यूम डिजाइन देखने को मिलता है वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से प्लान किया हुआ था सभी चीज़ें परफेक्टली प्लान करके क्रिएट की हुई थी जो आपको जरूर फिल्म देखते हुए महसूस होगी डायरेक्टर सुधा कोंगारा जो एक बार फिर से अपनी फिल्मों से प्रो करती हुई नज़र आती है कि उनकी फिल्म देखने लायक क्यों होती है इससे पहले उनकी जो शाला खडूस फिल्म आई थी वो भी उतनी ही बेहतरीन फिल्म थी इस फिल्म में वो जिस तरह से हमारे सामने कुछ बेहतरीन वे में फिक्सनल एलिमेंट के साथ वो इफेक्ट्स को दिखाने में कामयाब रही है जो जिस तरह से मेनका की फिल्म की कहानी एक बुक के ऊपर बेच रहे तो वहाँ से कुछ कोर पॉइंट उठाकर जो फिक्सनल एलिमेंट एड करके कर उन्होंने जिस तरह फिल्म को नेरेट किया हुआ है तो वो सभी चीज़ें इंगेजिंग और एंटरटेनिंग नज़र आ रही थी सुधा बढ़िया तरीके से हमें इमोशनली कनेक्ट करते जो इमोशन का रोलर कोस्टर देखने को मिलता है वो बढ़िया तरीके से एंगेजिंग और क्रिपिंग नजर आ रहा था फिल्म का ड्रामा काफी ग्रिटी था जिसको जिसके लिए वो फिल्म को जिस तरह से उन ड्रामा को ड्रामा को शोकेस किया हुआ था वो फिल्म के बिगेस्ट हाईलाइट पॉइंट थे वो जिस तरह से सूर्या के कैरेक्टर के थ्रू हमें फिल्म के थ्रू पूरी तरह से कनेक्टेड रखती है उस कैरेक्टर के थ्रू जो इमोशनली पूरा फिल्म हमारे दिखाने में कामयाब रही है वो किस तरह से ड्रीम अचीव करता है उन सभी चीज़ों को उन्होंने काफ़ी बेहतरीन वे में हमारे सामने पेश किया हुआ है तो सुधा कोंगारा पूरी तरह से अपनी फिल्म के साथ हमें बनाए रखती है जिस वजह से ये फिल्म का नरेशन काफ़ी मजबूत था इमोशनल पार्ट काफी मजबूत थे एक्टिंग काफी मजबूत थी म्यूजिक काफी मजबूत था कैमरा वर्क काफी बेहतर था डबिंग इतनी बेहतरीन थी तो फिल्म में खामियां निकालना बहुत कम है कमियां बहुत कम है फिल्म में हाँ एक दो कमी आपको शायद खल सकती है बाकी ओवरऑल बात करें तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसे मिस नहीं करना चाहिए एक क्लास ऑडियंस के लिए बनी फिल्म है मास ऑडियंस को भी पसंद आएगी और फैमिली को भी पसंद आएगी अगर वो इस फिल्म में इन सभी एस्पेक्ट को देख फिल्म देखते हैं तो और बेहतर रहेगी तो ओवरऑल बात करें तो आप सूरा राय पोत्रू जिसको तेलुगु में नाम दिया था आकाशम नी हाडूरा और इसके अलावा हिंदी में नाम दिया था उड़ान तो इस फिल्म को आप तो जरूर देखना चाहिए ये फिल्म इस तरह से डायरेक्टर ने बनाई हुई है जिस वजह से एक मोटिवेशन भी मिलता है साथ ही में फिल्म आपको बढ़िया तरीके से कनेक्ट भी करके रखती है जहाँ पे सूर्य सूर्या का अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर में जो इमोशन का रोलर कोस्टर दिखाया हुआ है जिस ड्रीम फुलफिल करने में जो इमोशंस दिखाए हुए वो बढ़िया थे फिल्म का सेटअप अच्छा था स्टोरी बढ़िया थी उसका नरेशन बढ़िया था अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिलते प्रोडक्शन वैल्यू सुपर थी वे इफेक्ट्स अच्छा था म्यूजिक उससे भी शानदार था एंगेजिंग ड्रामा देखने को मिलता है साथ ही में सीन बाई सीन जिस तरह से जो सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो और भी बेहतरीन तरीके से हमारे सामने कनेक्ट होता है तो फिल्म की अगर थोड़ी बहुत पेस को आप इग्नोर कर दोगे तो ये एक वेल मेड रिसेंट टाइम की फिल्म है जो क्लास ऑडियंस के साथ सभी ऑडियंस को पसंद आएगी जहाँ पे आप ज़रूर इस फिल्म के थ्रू इंस्पायर होंगे तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए मिस नहीं करनी चाहिए अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म को हिंदी में डब करवाए तमिल में भी अपलोड किया हुआ है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह फिल्म अगर आपके पास सब्सक्रिप्सन है तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो जहाँ पे

एम भक्तवसलम नायडू का रोल प्ले करे परेश रावल परेश गोसामी के रोल में दिखाई देंगे अपर्णा बाला मुरली को सुंदरी बोम्मी निडूमारन यानी कि मारा की वाइफ का रोल दिया गया है उर्वशी जो पेची यानी के मारा की माँ के रोल में दिखाई देंगी करुणा जिनको अल्पराय का रोल दिया गया है विवेक प्रसन्ना जो स्टेबस्टियन के रोल में दिखाई देंगे कृष्णा कुमार जिनको चैतन्य चय राव का रोल दिया गया है काली वेंकट को काली का रोल दिया गया है अच्युत कुमार आनंदा नारायण का रोल में दिखाई देंगे जी ज्ञान सबंधम जो चिन्ना स्वामी यानी कि बॉम्मी के फादर के रोल में दिखाई देंगे विनोदिनिय विद्यनाथन जो चित्र रामास्वामी के रोल में दिखाई देंगे विशालिनी जो मुथु लक्ष्मी बॉम्मी की माँ के रोल में दिखाई देंगी प्रकाश बेलवाड़ी जिन्होंने प्रकाश बाबू का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्रन दुराईराज जिन्होंने अरिवू आर एस शिवाजी ने अनंत नारायण पाका और पू मु ने राजंगम मारा के फादर के रोल में दिखाई देंगे डान धनो जिन्होंने विमल पलैया का रोल प्ले किया हुआ है प्रिया प्रिंस जिन्होंने सेबी की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है कासंद्रा ने प्रीति यानी कि चेस के लवर का रोल प्ले किया हुआ है सुपर गुड सुब्रमण्य को मैरिज ब्रोकर के रोल में दि... रोल दिया गया था इलान सेबिस के सन और इयाल भी सेबिश के डॉटर के रोल में दिखाई देती है सोम शेखर जिनको आई एफ कैडेट का रोल दिया गया है सेंथिल कुमार जो अपने ही सैंतिल कुमार के ही के कैरेक्टर में स्पेशल अपेरेंस देते हुए नज़र आएंगे वर्षा नायर जो एक पायलट के रोल में है आर जे आनंदी जो स्ट्यू रोडर के रोल में दिखाई देती है शेख मेडन जो ए पी जे अब्दुल कलाम के किरदार में दिखाई देंगे तो यही सभी एक्टर है जिन्होंने इन सभी कैरेक्टर को डिलीवर किया हुआ है जो अभी मैंने आपको कहानी बताई उसमें ये सभी रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे डेवलपमेंट की बात करें तो 2009 में सुधा सुधा कोंगारा ने इस फिल्म के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट किया था और उसके बाद में फाइनली फिल्म का जो कहानी है जो कास्टिंग है वो सभी कंप्लीट करने के बाद 13 अप्रैल 2019 को फिल्म का टाइटल सोरा राय पोत्रो फिविथ पोस्टर रिलीज कर दिया गया था और उसके बाद में फिल्म को जो कोविड 19 के चलते काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे बेच दिया गया था जिसको ओटीटी पे अच्छी खासी प्राइस में बेचा गया था करीबन इस फिल्म को इस फिल्म से प्रोड्यूसर्स को शायद तीस चालीस करोड़ का मुनाफा हुआ था उसके बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो ने भी सूर्या के प्रोडक्शन के साथ चार पांच फिल्मों का साइन किया हुआ था जहाँ पे जय भीम भी शामिल है जो भी काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी जो इससे बड़ी तरीके से वर्क कर गई थी सूरा पत्र के साउंड ट्रेक की बात करें तो वो 2019-20 में रिकॉर्ड किया गया था सोनी म्यूजिक के पास इस फिल्म के राइट से जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है चौबीस जुलाई दो

अब इस फिल्म के की बात करें तो और कन्नड़ा जो टोटल चार वर्जन है, है। ने जिन्होंने का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल के मौके पर किया हुआ था थिएट्रिकली जैसे कि मैंने कहा था तेईस अगस्त 2021 को इस फिल्म में रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में कोविड 19 के चलते चीजें सही नहीं गई चीज़ों को सही नहीं जाने की वजह से थिएटर अच्छे नहीं चल रहे थे थिएटर में फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी थी प्रॉपर वे में ऑडियंस नहीं आ रही थी जिस वजह से रिस्क ना लेते हुए उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट ओ टी प्लेटफॉर्म को बेच दिया जिसके बाद अमेजॉन प्राइम वीडियो ने अच्छी खासी प्राइज में इस फिल्म को खरीदा और रिलीज़ किया और रिलीज़ के बाद अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला जिस वजह से फिल्म को बाद में लेटर में हिंदी डब करवाया गया जिसको गोलमाइंस वालों के साथ कंबाइंड होकर अमेजन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को डब किया हुआ है जिसकी डबिंग काफ़ी बेहतरीन है और इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन को उड़ान के नाम के साथ रिलीज किया गया था तो ओवरऑल ये फिल्म आपको एज ए पेन इंडिया तौर पे रिलीज होती हुई नजर आई होगी जिसको इस फिल्म को रिलीज किया गया था ओ टी टी अमेजोन प्राइम वीडियो पे तो ये फिल्म अभी आपको फिलहाल में ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पे देखने को मिलने वाली है जहाँ पे सोरा राय पोत्रो के नाम से तमिल में दूसरे सभी वर्जन के साथ कन्नड़ा तेलुगु मलयालम और हिंदी वर्जन में उड़ान के साथ ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी तो अगर आपको ये फिल्म देखनी है हिंदी वर्जन भी देखना है या ओरिजिनल तमिल वर्जन देखना है तो आपको ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो पे ही ऑफिशियली देखने को मिलेगी अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो ये फिल्म आप बिल्कुल वहाँ पे सूरा राय पोत्रू के नाम से तमिल में और उड़ान के नाम से हिंदी में विथ इंग्लिश सब के साथ देख सकते हो जो आपको जरूर देखना चाहिए ये काफ़ी अमेजिंग फिल्म है इसे मिस नहीं करना चाहिए हिंदी वर्जन 4 अप्रैल 2021 को रिलीज किया गया था जिसको अच्छा खासा रिस्पांस मिला था जिस वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो वहां पे जाके देख सकते हो सूरा राय पोत्रू जो 2020 की इंडियन तमिल लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है सुधा कोंगारा ने इसके अलावा फिल्म की जो स्टोरी आइडिया है वो भी सुधा कोंगारा का ही था स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट वो सुधा कोंगारा के ही आपको देखने को मिलेगी जहां पे स्क्रीन प्ले में उनको सालिनी उषा देवी और विजय कुमार ने हेल्प की हुई थी और इस फिल्म की जो कहानी है जो आइडिया है वो सिंपली फ्लाई अ डेकन ओड से जो जी आर गोपीनाथ की एक बुक है उसके ऊपर बेस्ड है वहाँ से इस इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है हाँ फिल्म की कहानी में जरूर थोड़ी बहुत लिबर्टी ली हुई है सिनेमेटिक लिबर्टी ली हुई है लेकिन ओवरऑल फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है बेज जो मेन कोर पॉइंट है वो वहाँ से उठाया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो फिल्म के लीड एक्टर जो सूर्या है वही इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं साथ साथ ही में उनके मोंगा करके प्रोड्यूसर है वो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जहां पे सूर्या और मोंगा जो अपनी खुद खुद की प्रोडक्शन कंपनी टू डी एंटरटेनमेंट और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट इन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अब बात करें फिल्म के लीड कास्ट की तो आपको लीड रोल में सूर्या मोहन बाबू परेश रावल और अपर्णा बाला मुरली देखने को मिलेंगे इसके अलावा काफी बड़ी लंबी सपोर्टिंग कास्ट है जहां पे उर्वशी करुणास विवेक प्रसन्ना कृष्णा कर कुमार काली वेंकट अच्युत कुमार जी ज्ञान संभन्नम विनोदी विद्यानाथन विशालिनी प्रकाश बेलवाडी रामचंद्रन दुराईराज आर एस शिवाजी पू रामू धन दन धनोआ प्रिया प्रिंस कसंद्रा सुपर गुड सुब्रमणी इलान इयाल सोम शेखर सेंथिल कुमार वर्षा नेर आरजे आनंदी और शेख जहां पे सेंथिल कुमार का आपको एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगा तो ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में हैं तो ये सभी एक्टर मिलकर फिल्म में काम किया हुआ है मैं आगे आपको डिटेलिंग दूंगा कौन सा कैरेक्टर क्या रोल प्ले कर रहा था यानी कि कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा था उसके ऊपर भी डिटेलिंग देने वाला हूँ तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे तो अब बात करते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट की तो जिस तरह से कहा कि स्क्रीन प्ले सुधा कोंगारा का शालिनी उषा देवी और विजय कुमार का स्टोरी आइडिया और डायरेक्शन सुधा कोंगारा का है उसके बाद निरेशन किया हुआ है आर माधवन ने जिन्होंने तमिल वर्जन इस फिल्म को निरेट किया हुआ था सिनेमेटोग्राफर यानी कि कैमरा वर्क देखने को मिलेगा निकेत बोमी रेड्डी का एडिटिंग किए हुए सतीश सूर्या ने म्यूज़िक दिया हुआ है जीवी प्रकाश कुमार ने जो खुद एक लीड एक्टर भी है डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन कोविड की जो प्रोटोकॉल आए थे जिस तरह से थिएटर में ऑडियंस नहीं जा रही थी उस हिसाब से इस फिल्म को डायरेक्ट ओ टी टी रिलीज कर दिया गया था और उसके बाद इस फिल्म के बाद जिसके साथ ओ की डील की हुई थी वो थे अमेजन प्राइम वीडियो तो अमेजोन प्राइम वीडियो के साथ सूर्या ने अपने प्रोडक्शन के नीचे दो चार पांच फिल्में बनी है उसका डायरेक्ट ओ रिलीज के लिए साइन किया हुआ है यानी कि उन दोनों के बीच में कुछ चार पांच फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहाँ पे सूरा राय पोत्रू के बाद जय भीम भी वहाँ पर ओ टी पे रिलीज हुई है जो सूरा राय पोत्रू से भी बड़ी धूम मचाई हुई थी उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे अभी बात कर लेते थे इस फिल्म की कहानी के रिगार्डिंग जिस तरह से ने कहा कि यह फिल्म की कहानी किसी कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है जो किसी बुक लिखी किसी ने बुक लिखी हुई थी उस बुक पे से फिल्म की कहानी का जो कोर पॉइंट है है वो उठाया हुआ है। इसके अलावा भी मैं आपको फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के प्लस माइनस पॉइंट और साथ ही मैं फिल्म की रिव्यू भी दूंगा और फिल्म की कहानी भी सुनाऊंगा तो वीडियो अभी काफी बेहतरीन होने वाला है तो जरूर अंत तक देखिएगा तो सूरा राय पोत्रु का जो हिंदी वर्जन है उसकी कहानी से पहले मैं आपको बता दूँ इस फिल्म के रिलीज़ के रिगार्डिंग तो 12 नवंबर 2020 को इस फिल्म को करीबन 150 मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था जहां पे एडिटर सात्या सूर्या ने फिल्म को करीबन 145-50 मिनट का रखा हुआ था तमिल वर्जन के साथ साथ इस फिल्म को तेलुगु वर्ज़न में भी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया था उसके बाद फिल्म को हिंदी डब वर्जन में एक महीने के बाद अमेज़न प्राइम वीडियो ने गोलमैंस के साथ मिलकर कोलाबरेट करके इस को रिलीज किया था जिसका नाम रखा गया था उड़ान तो नाम भी अच्छा है कहानी जो जिस तरह की कहानी उस हिसाब से ये ना कि बेतुका का नाम रखा हुआ है जैसे कि सराय नोडू यानी दिल वाला और इस टाइप के कुछ नाम पहले आया करते थे उस टाइप के नाम भी इस फिल्म में देखने को नहीं मिलेंगे अब सुरा राय पोत्रो का मैं आपको अभी रिव्यू बताने वाला हूँ जहाँ पे फिल्म की कहानी के साथ प्लस और माइनस पॉइंट और टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में हम बात करेंगे तो अब सुराराय पोत्रो के रिव्यू के ऊपर हम चाहते हैं तो फिल्म की कहानी के ऊपर बात करेंगे जहाँ पे चंद महेश जिसका रोल प्ले करे सूर्या जो एक वेल एजुकेटेड यूथ है और उसका सपना काफ़ी बड़ा है उसका सपना ये है कि वो एक बड़ी एयरलाइन स्टार्ट करे जहाँ पे वो इसे उसके लिए पायलट की कोर्स करता है उसकी पढ़ाई करता है और वो एक पायलट भी बन जाता है जैसे समय बीतता है उसके फ्रेंड्स के साथ वो जॉब कर रहा होता है जो वेल सेटल जॉब रहती है उस जॉब को वो छोड़ देता है अपने ड्रीम को पाने के लिए सभी दोस्त मिलकर वो जॉब छोड़ देते हैं वो एक पहली लो कॉस्ट एयर दे कैन एयर स्टार्ट करना एयरलाइन स्टार्ट करना चाहते जिसके लिए उन्होंने ये जॉब छोड़ी हुई है तो अब ये सूर्या का जो कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है नीडो मारन जिसको ये जॉब छोड़ने की वजह से काफी ज्यादा सा, ज्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं लेकिन वो अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहता है और साथ ही में वो कुछ बड़े नाम है इस इंडस्ट्री में जैसे कि पा परेश गोस्वामी यानी कि जो रोल प्ले करे परेश रावल उनके साथ मीटिंग करने की ट्राई करता है लेकिन वहाँ से उनको उतनी बढ़िया तरीके से हेल्प नहीं मिलती है उल्टा उनकी तरफ से जो उनको बाहर निकालने की ज़्यादातर धमकियाँ दी जाती है तो उसके बाद की कहानी ये है कि निडु मारन किस तरह से अपने सपनों को फुलफिल करेगा साथ ही में जो डेकन एयर है उनकी जो कंपनी है जहाँ पे वो लो कॉस्ट एयरलाइन स्टार्ट करना चाहते उसको वो कैसे कंप्लीट करेगा उसको लॉन्च कैसे करेगा उस उस सभी चीज़ों को करने के लिए उसको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा वही सब जर्नी आपको फिल्म में देखने को मिलेगी जिसको काफी बेहतरीन वे में सुधा कुंगारा जी ने दिखाई हुई है इस फिल्म के प्लस पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सूर्या उन्होंने इस फिल्म में अपने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है इसके बाद जय भीम आई हुई थी वहां पर उनकी परफॉर्मेंस इससे भी बेहतर नजर आएगी इंटेंसिटी फिल्में जो इस तरह से देखने को मिलती है वो सभी चीजें सूर्या ने अपने कैरेक्टर में बढ़िया तरीके से डाली हुई है अभी तक उनकी जितनी भी परफॉर्मेंस उनकी देखने को मिली है उसके मुकाबले इस फिल्म के परफॉर्मेंस कुछ अलग ही लेवल वाली देखने को मिलती है सीन सीन बाय वो जिस तरह से अपने कैरेक्टर के साथ चीजें डिलीवर करते हुए नजर आते है वो आपको इंप्रेस कर देंगे साथ ही में उनके कैरेक्टर में जो एक सपने फुलफिल करने के जो एक जुनून दिखाया हुआ है उस जुनून के प्रति उनका कैरेक्टर किस तरह से एक पागलपन वाला देखने को मिलता है उन सभी चीजों में उन्होंने बढ़िया तरीके से बैलेंस करके अपना काम दिखाया हुआ है इंटरवल सीन में जिस तरह से जो सभी चीजें दिखाई हुई है सपना टूट जाता है उन सभी चीजों को किस तरह से उन्होंने क्रिएट किया हुआ है साथ ही में जो क्लाइमेक्स एपिसोड क्रिएट किया हुआ है वो सभी चीजें हमारे इमोशंस को काफी बढ़िया तरीके से पकड़ती है उन सभी इमोशंस का एक रोलर कोस्टर आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करेगा सूर्या परफेक्ट वे में पूरा शो स्टील करते हुए नजर आते हैं वो स्टील द शो वाला जो लाइन होता है ना उसी टाइप काम था उनका फिल्म में फर्स्ट सीन से लेकर आश लास्ट सीन तक वही आपको पूरी तरह से अपने फिल्म के प्रति बांध के रखेंगे जिसकी वजह से फिल्म आपको काफी ज्यादा एंगेजिंग और साथ ही में इम्प्रेसिव काम नजर आएगा और इस फिल्म में आपको वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर की बात करें सूर्या के अलावा तो अपर्णा बाला मुरली जो सेकंड जो हीरोइन का रोल प्ले कर रही है और उन्होंने सूर्या के कैरेक्टर को जिस तरह से सपोर्ट किया हुआ था आप सुपर वे में इंप्रेस हो जाओगे उनका वो परफॉर्मेंस काफी मेच्योरिटी वाला नजर आ रहा था उसमें जिस तरह से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी किए हुई है जिस तरह सूर्य के साथ में उनकी केमिस्ट्री देखने को मिलती है उनके लुक्स उनके एक्सप्रेशन उनकी बॉडी लैंग्वेज वो जिस तरह से अपने इमोशंस डिलीवर करती है उनके फेशियल एक्सप्रेशन उन सभी चीज़ों में वो बढ़िया नजर आ रही थी सूर्य के साथ इतनी सॉलिड वे में उन्होंने केमिस्ट्री क्रिएट की हुई थी जो फिल्म के बेसिक और मेजर एसेट है जो फिल्म के प्रति हमें और बेहतर वे में कनेक्ट करते हैं और उन्होंने जिस तरह से उनके वाइफ के रोल में अपना डिलीवर परफॉर्मेंस डिलीवर किया वो सुप्रीमरी वेल नजर आ रहा था मोहन बाबू उनके पास उतना स्क्रीन टाइम नहीं था लेकिन तीन चार सीन में भी वो हमें आसानी से इंप्रेस कर जाते हैं उनका वो कैरेक्टर बढ़िया तरीके से एक डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहता है जिस वजह से फिल्म के वो छोटे मोटे किरदार भी आपके दिमाग में छप जाते हैं साथ ही में दूसरे सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने जिस तरह से काम किया हुआ था वो नेचुरल और बढ़िया नज़र आ रहा था इस फिल्म की सबसे बड़ी बात वो इमोशनल एस्पेक्ट फिल्म के जो इमोशनल चीजें उसको डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था साथ ही में उन सभी चीजों को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है जिस तरह से एक नेरेशन दिखाया हुआ है उसके ऊपर सभी एक्टर की जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है तो वो सभी चीजें फिल्म को और ज्यादा स्ट्रोंग कर रही थी इमोशन बढ़िया तरीके से हमारे लिए वर्क करते हुए नजर आते जिस वजह से फिल्म के जो एक सपना होता है कि एक एयरलाइन स्टार्ट करना है लो कॉस्ट वाली तो उन सभी चीजों में जो इमोशन अलग अलग तरीके से हमारे सामने पेश किए जाते हैं मदरसन का रिलेशन हस्बैंड वाइफ का एंगल देखने को मिलता है सूर्य और परेश रावल के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट देखने को मिलता है तो उन सभी एपिसोड को इतना बेहतरीन इमोशनली कनेक्ट किया हुआ इमोशन के साथ दिखाया हुआ है जो हमें काफी बढ़िया तरीके से ग्रिपिंग manner में पेश करते हुए नजर आते हैं तो वो एपिसोड हमें जरूर कनेक्ट करते हैं और एंगेजिंग भी रखते हैं परेश रावल जो अपने रोल में काफ़ी क्लासी नज़र आ रहे थे वैसे तो उनके एक्टिंग पे सवाल उठाना मतलब कि काफ़ी बड़ी बात हो गई वो अपने परफॉर्मेंस से काफ़ी बढ़िया तरीके से देव्त क्रिएट करने में कामयाब रहे उनकी परफॉर्मेंस फिल्म को और भी बेहतर लेवल पे ले जाती है जिस तरह से उनके कॉन्फ्लिक्ट प्लॉट देखने को मिलते सूर्या के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ है वो कन्फ्रंटेशन वाले सीन काफ़ी बढ़िया थे वो सभी चीज़ें फिल्म को और देव्थ क्रिएट करने में कामयाब रहती है इन सभी चीज़ों के अलावा जो प्रोडक्शन डिजाइन आपको देखने को मिलती है वो बढ़िया थी फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू हाई नजर आ रही थी काफी सॉलिड प्रोडक्शन डिजाइन थी साथ ही में जो विजुअल्स थे वो बढ़िया तरीके से जो इरा दिखाया हुआ था जो समय गाला दिखाया हुआ था उसको सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सुपर मेनर में, में क्रिएट किया हुआ था साथ ही में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके कुछ ऐसे सिक्वेंस देखने को मिलते हैं जो आप में काफ़ी बढ़िया तरीके से घुस क्रिएट कर देंगे जो सिक सिक्वेंस और सीनारियो दिखाया होता है वहाँ पर आपको आ, आर्ट वर्क काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा और आर्ट डायरेक्टर ने जिस तरह से उन सभी चीज़ों को क्रिएट किया हुआ है वो आपका दिल जीत लेंगे क्योंकि उन सभी चीज़ों में आपको एक नेचुरलिटी ज़रूर नजर आएगी और उन्हीं के साथ जो गुशबं वाले सीन देखने को मिलते हैं उसमें डायरेक्टर की तारीफ़ करनी पड़ेगी जो गुशबं ओरिएंटेड सीन्स थे उसको काफ़ी वेल तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था जो आपको इम्प्रेस भी करेंगे एंगेजिंग वगैरह एंगेजिंग भी रखेंगे और फिल्म का जो नरेशन है वो अंत तक आपके साथ बने रहेगा माइनस पॉइंट की बात करें तो फिल्म काफ़ी सीरियस नोट के साथ चलती रहती है जहाँ पे रेगुलर ऑडियंस है जो फिल्म के प्रति जो सूर्य की फिल्में देखती आई है उनको एक्शन चाहिए या फिर कुछ कॉमेडी रोमांस ये सभी चीज़ें चाहिए तो वो इस फिल्म में जरूर उनको मिसिंग लगेगी हालांकि ये फिल्म का टोन ही अलग है तो उस टाइप की ऑडियंस शायद इस फिल्म से इस फिल्म को देखने आएगी तो अगर वो देखेगी तो वो शायद डिसअपॉइंट हो सकती है अदरवाइज फिल्म काफ़ी मजबूत और भारी है फिल्म की पेज जरूर थोड़ी स्लो नजर आएगी कहां पे जिस तरह से स्टोरी को अनफोल्ड किया जाता है वो थोड़ी डिटेलिंग मैनर में किया जाता है तो फिल्म के पहले दस मिनट आपको थोड़े फिल्म के टेन मिनट्स और पॉस्ट इंटरवल इंटरवल के पहले वो थोड़े डल नज़र आएंगे थोड़ा मेलो ड्रामा देखने को मिलेगा कुछ स्ट्रगल वाले रिपेटिटिव सीन बार बार देखने को मिलेंगे सूर्य किस तरह से रिपेटिटिवली उन सभी चीज़ों को दिखाया जाता है स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं तो वो सभी चीज़ें शायद आपको थोड़ी ज़्यादा स्लो पेश करती हुई नज़र आएगी फिल्म को स्लो करती हुई नज़र आएगी इस फिल्म को थोड़ा फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो दिखाया हुआ था कि सूर्य किस तरह से एयरलाइन स्टार्ट करने के लिए पैसा इकट्ठा करता है तो उन जब इस उन सभी पॉइंट को उतना बेहतर वे में वो नहीं दिखा पाए जहाँ पे वो एक टाइम पे पंद्रह हजार रुपये के लिए भी अपने बास नहीं थे जहाँ पे उन, उस पैसे के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे उसके बाद में उनका जो एयरलाइन स्टार्ट करने का सपना वो सभी चीजें थोड़ी आर्टिफिशियल नजर आ जाती है थोड़ी लाइन खींचती हो ऐसा नजर आता है बाकी ओवरऑल फिल्म काफ़ी बेहतरी थी टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट इतने स्ट्रोंग नज़र आएंगे जिस वजह से फिल्म टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग नज़र आती है एक पॉइंट तो वही है जो फिल्म आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करके रखती है म्यूजिक की बात करें बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो फिल्म के सबसे मेजर प्लस पॉइंट है जहाँ पे जीवी प्रकाश कुमार जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है वो बढ़िया तरीके से इस फिल्म में अपना म्यूजिक देते हुए नजर आते इस प्रोसीडिंग में वो अच्छा तरीके से अपन को फील करवाने में कामयाब रहते हैं जिस तरह से मैंने कहा कि फिल्म में काफ़ी सारे इमोशनल एंगल देखने को मिलते हैं उन सभी एंगल को अच्छी तरह से हमारे सामने वो अपने म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट करने में कामयाब रहते हैं उन सभी इमोशंस को म्यूजिक के थ्रू अच्छी तरह से कनेक्ट करने में कामयाब रह जाते हैं कैमरा वर्क काफी शानदार देखने को मिलता है सिनेमेटोग्राफर ने

इसके अलावा फिल्म की जो हिंदी डब वर्जन की डबिंग है वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती है हाँ परेश रावल वाले किदार की डबिंग उतनी खास नहीं की गई लेकिन ओवरऑल डबिंग की बात करें काफी बेहतरीन देखने को मिलती है इसके अलावा फिल्म में जो कॉस्ट्यूम डिजाइन देखने को मिलता है वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से प्लान किया हुआ था सभी चीज़ें परफेक्टली प्लान करके क्रिएट की हुई थी जो आपको जरूर फिल्म देखते हुए महसूस होगी डायरेक्टर सुधा कोंगारा जो एक बार फिर से अपनी फिल्मों से प्रोक करती हूँ नज़र आती है कि उनकी फिल्म देखने लायक क्यों होती है इससे पहले उनकी जो शाला खडूस फिल्म आई थी वो भी उतनी ही बेहतरीन फिल्म थी इस फिल्म में वो जिस तरह से हमारे सामने कुछ बेहतरीन वे में फिक्शनल एलिमेंट के साथ वो इफेक्ट्स को दिखाने में कामयाब रही है जो जिस तरह से मनका की फिल्म की कहानी एक बुक के ऊपर बेच रहे तो वहाँ से कुछ कोर पॉइंट उठाकर जो फिक्शनल एलिमेंट एड करके उन्होंने जिस तरह फिल्म को नेरेट किया हुआ है तो वो सभी चीज़ें इंगेजिंग और एंटरटेनिंग नजर आ रही थी

है उन सभी चीज़ों को उन्होंने काफ़ी बेहतरीन वे में हमारे सामने पेश किया हुआ है तो सुधा कोंगारा पूरी तरह से अपनी फिल्म के साथ हमें बनाए रखती है जिस वजह से ये फिल्म का नरेशन काफ़ी मजबूत था इमोशनल पार्ट काफ़ी मजबूत थे एक्टिंग काफ़ी मजबूत थी म्यूज़िक काफ़ी मजबूत था कैमरा वर्क काफ़ी बेहतर था डबिंग इतनी बेहतरीन थी तो फिल्म में खामियां का निकालना बहुत कम है कमियां बहुत कम है फिल्म में हाँ एक दो कमी आपको शायद खल सकती है बाकी ओवरऑल बात करें तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसे मिस नहीं करना चाहिए एक क्लास ऑडियंस के लिए बनी फिल्म है मास ऑडियंस को भी पसंद आएगी और फैमिली को भी पसंद आएगी अगर वो इस फिल्म में इन सभी एस्पेक्ट को देख फिल्म देखते हैं तो और बेहतर रहेगी तो ओवरऑल बात करें तो आप सूरा राय पोत्रू जिसको तेलुगु में नाम दिया था आकाशम नी हाडूरा और इसके अलावा हिंदी में नाम दिया था उड़ान तो इस फिल्म को आप तो जरूर देखना चाहिए ये फिल्म इस तरह से डायरेक्टर ने बनाई हुई है जिस वजह से एक मोटिवेशन भी मिलता है साथ ही में फिल्म आपको बढ़िया तरीके से कनेक्ट भी करके रखती है जहाँ पे सूर्य सूर्या का अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर में जो इमोशन का रोलर कोस्टर दिखाया हुआ है जिस ड्रीम फुलफिल करने में जो इमोशंस दिखाए हुए वो बढ़िया थे फिल्म का सेटअप अच्छा था स्टोरी बढ़िया थी उसका नरेशन बढ़िया था अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिलते प्रोडक्शन वैल्यू सुपर थी वे इफेक्ट्स अच्छा था म्यूजिक उससे भी शानदार था एंगेजिंग ड्रामा देखने को मिलता है साथ ही में सीन बाई सीन जिस तरह से जो सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो और भी बेहतरीन तरीके से हमारे सामने कनेक्ट होता है तो फिल्म की अगर थोड़ी बहुत स्लो स्लोपेज को आप इग्नोर कर दोगे तो ये एक वेल मेड रिसेंट टाइम की फिल्म है जो क्लास ऑडियंस के साथ सभी ऑडियंस को पसंद आएगी जहाँ पे आप ज़रूर इस फिल्म के थ्रू इंस्पायर होंगे तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए मिस नहीं करनी चाहिए अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म को हिंदी में डब करवाए तमिल में भी अपलोड किया हुआ है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह फिल्म अगर आपके पास सब्सक्रिप्सन है तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो जहाँ पर

एम भक्तवसलम नायडू का रोल प्ले करे परेश रावल परेश गोसामी के रोल में दिखाई देंगे अपर्णा बाला मुरली को सुंदरी बोम्मी निडूमारन यानी कि की वाइफ का रोल दिया गया है उर्वशी जो पेची यानी कि मार की माँ के रोल में दिखाई देंगी करुणा जिनको अल्पराय का रोल दिया गया है विवेक प्रसन्ना जो स्टेबस्टियन के रोल में दिखाई देंगे कृष्णा कुमार जिनको चैतन्य चय राव का रोल दिया गया है काली वेंकट को काली का रोल दिया गया है अच्युत कुमार आनंदा नारायण का रोल में दिखाई देंगे जी ज्ञान सबंधम जो चिन्ना स्वामी यानी कि बॉम्मी के फादर के रोल में दिखाई देंगे विनोदिनिय विद्यनाथन जो चित्र रामास्वामी के रोल में दिखाई देंगे विशालिनी जो मुथु लक्ष्मी की माँ के रोल में दिखाई देंगी प्रकाश बेलवाड़ी जिन्होंने प्रकाश बाबू का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्रन दुराईराज जिन्होंने अरिवू आर एस शिवाजी ने अनंत नारायण पाका और पू रामू ने राजंगम मारा के फादर के रोल में दिखाई देंगे डान धनो जिन्होंने विमल पलैया का रोल प्ले किया हुआ है प्रिया प्रिंस जिन्होंने सेबी की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है कासंद्रा ने प्रीति यानी कि चेस के लवर का रोल प्ले किया हुआ है सुपर गुड़ सुब्रमण्य को मैरिज ब्रोकर के रोल में दि, रो, रोल दिया गया था इलान सेबिस के सन और इयाल भी सेबिश के डॉटर के रोल में दिखाई देती है सोम शेखर जिनको आई एफ कैडेट का रोल दिया गया है सेंथिल कुमार जो अपने ही सैंतिल कुमार के ही के कैरेक्टर में स्पेशल अपेयरेंस देते हुए नज़र आएंगे वर्षा नायर जो एक पायलट के रोल में है आर जे आनंदी जो स्ट्यू रोडर के रोल में दिखाई देती है शेख मेडन जो ए पी जे अब्दुल कलाम के किरदार में दिखाई देंगे तो यही सभी एक्टर है जिन्होंने इन सभी कैरेक्टर को डिलीवर किया हुआ है जो भी मैंने आपको कहानी बताई उसमें ये सभी रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे डेवलपमेंट की बात करें तो 2009 में सुधा सुधा कोंगारा ने इस फिल्म के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट किया था और उसके बाद में फाइनली फिल्म का जो कहानी है जो कास्टिंग है वो सभी कंप्लीट करने के बाद 13 अप्रैल 2019 को फिल्म का टाइटल सोरा राय पोत्रो फ्थ पोस्टर रिलीज कर दिया गया था और उसके बाद में फिल्म को जो कोविड नाइन्टीन के चलते काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे बेच दिया गया था जिसको ओटीटी पे अच्छी खासी प्राइस में बेचा गया था करीबन इस फिल्म को इस फिल्म से प्रोड्यूसर्स को शायद तीस चालीस करोड़ का मुनाफा हुआ था उसके बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो ने भी सूर्या के प्रोडक्शन के साथ चार पांच फिल्मों का साइन किया हुआ था जहाँ पे जय भीम भी शामिल है जो भी काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी जो इससे बड़ी तरीके से वर्क कर गई थी सूरा पत्र के साउंड ट्रेक की बात करें तो वो 2019-20 में रिकॉर्ड किया गया था सोनी म्यूजिक के पास इस फिल्म के राइट से जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है चौबीस जुलाई दो

अब इस फिल्म के सैटेलाइट तो और कन्नड़ा जो टोटल चार वर्जन ने इसके खरीदे हुए। इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल के मौके पर किया हुआ था थिएट्रिकली जैसे कि मैंने कहा था तेईस अगस्त दो को इस फिल्म में रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में कोविड नाइनटीन के चलते चीजें सही नहीं गई चीज़ों को सही नहीं जाने की वजह से थिएटर अच्छे नहीं चल रहे थे थिएटर में फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी थी प्रॉपर वे में ऑडियंस नहीं आ रही थी जिस वजह से रिस्क ना लेते हुए उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी टी प्लेटफॉर्म को बेच दिया जिसके बाद अमेजॉन प्राइम वीडियो ने अच्छी खासी प्राइज में इस फिल्म को खरीदा और रिलीज़ किया और रिलीज़ के बाद अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला जिस वजह से फिल्म को बाद में लेटर में हिंदी डब करवाया गया जिसको गोल वालों के साथ कंबाइंड होकर अमेजॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को डब किया हुआ है जिसकी डबिंग काफ़ी बेहतरीन है और इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन को उडान के नाम के साथ रिलीज किया गया था तो ओवरऑल ये फिल्म आपको एज ए पेन इंडिया तौर पे रिलीज होती हुई नजर आई होगी जिसको इस फिल्म को रिलीज किया गया था ओ टी टी अमेजोन प्राइम वीडियो पे तो ये फिल्म अभी आपको फिलहाल में ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो पे देखने को मिलने वाली है जहाँ पे सोरा राय पोत्रो के नाम से तमिल में दूसरे सभी वर्जन के साथ कन्नड़ा तेलुगू मलयालम और हिंदी वर्जन में उड़ान के साथ ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी तो अगर आपको ये फिल्म देखनी है हिंदी वर्जन भी देखना है या ओरिजिनल तमिल वर्जन देखना है तो आपको ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पे ही ऑफिशियली देखने को मिलेगी अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो ये फिल्म आप बिल्कुल वहाँ पे सूरा राय पोत्रू के नाम से तमिल में और उड़ान के नाम से हिंदी में विथ इंग्लिश सब के साथ देख सकते हो जो आपको जरूर देखना चाहिए ये काफ़ी अमेजिंग फिल्म है इसे मिस नहीं करना चाहिए हिंदी वर्जन 4 अप्रैल 2021 को रिलीज किया गया था जिसको अच्छा खासा रिस्पांस मिला था जिस वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो वहां पे जाके देख सकते हो सूरा राय पोत्रो जो 2020 की इंडियन तमिल लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है सुधा कोंगारा ने इसके अलावा फिल्म की जो स्टोरी आइडिया है वो भी सुधा कोंगारा का ही था स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट और सुधा कोंगारा के ही आपको देखने को मिलेगी जहां पे स्क्रीन प्ले में उनको सालिनी उषा देवी और विजय कुमार ने हेल्प की हुई थी और इस फिल्म की जो कहानी है जो आइडिया है वो सिंपली फ्लाई अ डेकन ओड से जो जी आर गोपीनाथ की एक बुक है उसके ऊपर बेस्ड है वहाँ से इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है हाँ फिल्म की कहानी में जरूर थोड़ी बहुत लिबर्टी ली हुई है सिनेमेटिक लिबर्टी ली हुई है लेकिन ओवरऑल फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है बेज जो मेन कोर पॉइंट है वो वहाँ से उठाया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो फिल्म के लीड एक्टर जो सूर्या है वही इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं साथ ही में उनके साथ गुणित मोंगा करके प्रोड्यूसर है वो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जहां पे सूर्या और मोंगा जो अपनी खुद खुद की प्रोडक्शन कंपनी है टू एंटरटेनमेंट और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट इन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अब बात करें फिल्म के लीड कास्ट की तो आपको लीड रोल में सूर्या मोहन बाबू परेश रावल और अपर्णा बाला मुरली देखने को मिलेंगे इसके अलावा काफी बड़ी लंबी सपोर्टिंग कास्ट है जहां पे उर्वशी करुणास विवेक प्रसन्ना कृष्णा कुमार काली वेंकट अच्युत कुमार जी ज्ञान संभन विनोदी विद्यानाथन विशालिनी प्रकाश बेलवाडी रामचंद्रन दुराईराज आर एस शिवाजी पू रामू दन धनोआ प्रिया प्रिंसरा सुपर गुड सुब्रमणि इलान इयाल सोम शेखर सेंथिल कुमार वर्षा नेर आरजे आनंदी और शेख मेडिन जहाँ पे सेंथिल कुमार का आपको एक स्पेशल अपीरेंस देखने को मिलेगा तो ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में हैं तो ये सभी एक्टर मिलकर फिल्म में काम किया हुआ है मैं आगे आपको डिटेलिंग दूंगा कौन सा कैरेक्टर क्या रोल प्ले कर रहा था यानी कि कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा था उसके ऊपर भी डिटेलिंग देने वाला हूँ तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे तो अब बात करते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट की तो जिस तरह से कहा कि स्क्रीन प्ले सुधा कोंगारा का शालिनी उषा देवी और विजय कुमार का स्टोरी आइडिया और डायरेक्शन सुधा कोंगारा का है उसके बाद निरेशन किया हुआ है आर माधवा ने जिन्होंने तमिल वर्जन इस फिल्म को निरेट किया हुआ था सिनेमेटोग्राफर यानी कि कैमरा वर्क देखने को मिलेगा निकेत बोमी रेड्डी का एडिटिंग किए हुए सतीश सूर्या ने म्यूज़िक दिया हुआ है जीवी प्रकाश कुमार ने जो खुद एक लीड एक्टर भी है डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन कोविड की जो प्रोटोकॉल आए थे जिस तरह से थिएटर में ऑडियंस नहीं जा रही थी उस हिसाब से इस फिल्म को डायरेक्ट ओ टी रिलीज कर दिया गया था और उसके बाद इस फिल्म के बाद जिसके साथ ओ की डील की हुई थी वो थी अमेजोन प्राइम वीडियो तो अमेजोन प्राइम वीडियो के साथ सूर्या ने अपने प्रोडक्शन के नीचे दो चार पांच फिल्में बनी है उसका डायरेक्ट ओ रिलीज के लिए साइन किया हुआ है यानी कि उन दोनों के बीच में कुछ चार पांच फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहाँ पे सूरा राय पोत्रू के बाद जय भीम भी वहाँ पर ओ टी पे रिलीज हुई है जो सूरा राय पोत्रू से भी बड़ी धूम मचाई हुई थी उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे अभी बात कर लेते थे इस फिल्म की कहानी के रिगार्डिंग जिस तरह से ने कहा कि यह फिल्म की कहानी किसी कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है जो किसी बुक लिखी किसी ने बुक लिखी हुई थी उस बुक पे से फिल्म की कहानी का जो कोर पॉइंट है वो उठाया हुआ है इसके अलावा भी मैं आपको फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के प्लस माइनस पॉइंट और साथ ही में फिल्म की रिव्यू भी दूंगा और फिल्म की कहानी भी सुनाऊंगा तो वीडियो अभी काफी बेहतरीन होने वाला है तो जरूर अंत तक देखिएगा तो सूरा राय पोत्रु का जो हिंदी वर्जन है उसकी कहानी से पहले मैं आपको बता दूँ इस फिल्म के रिलीज़ के रिगार्डिंग तो 12 नवंबर 2020 को इस फिल्म को करीबन 150 मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था जहां पे एडिटर सात्या सूर्या ने फिल्म को करीबन 145-50 मिनट का रखा हुआ था तमिल वर्जन के साथ साथ इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में भी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया था उसके बाद फिल्म को हिंदी डब वर्जन में एक महीने के बाद अमेज़न प्राइम वीडियो ने गोलमैंस के साथ मिलकर कोलाबोरेट करके इस को रिलीज किया था जिसका नाम रखा गया था उड़ान तो नाम भी अच्छा है कहानी जो जिस तरह की कहानी उस हिसाब से ये ना कि बेतुका नाम रखा हुआ है जैसे कि सराय नोडू यानी दिल और इस टाइप के कुछ नाम पहले आया करते थे उस टाइप के नाम भी इस फिल्म में देखने को नहीं मिलेंगे अब सुरा राय पोत्रू का मैं आपको अभी रिव्यू बताने वाला हूँ जहाँ पे फिल्म की कहानी के साथ प्लस और माइनस पॉइंट और टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में हम बात करेंगे तो अब सुराराय पोत्रो के रिव्यू के ऊपर हम चाहते हैं तो फिल्म की कहानी के ऊपर बात करेंगे जहाँ पे चंद महेश स... जिसका रोल प्ले करे सूर्या जो एक वेल एजुकेटेड यूथ है और उसका सपना काफ़ी बड़ा है उसका सपना ये है कि वो एक बड़ी एयरलाइन स्टार्ट करे जहाँ पे वो इसे उसके लिए पायलट की कोर्स करता है उसकी पढ़ाई करता है और वो एक पायलट भी बन जाता है जैसे समय बीतता है उसके फ्रेंड्स के साथ वो जॉब कर रहा होता है जो वेल सेटल जॉब रहती है उस जॉब को वो छोड़ देता है अपने ड्रीम को पाने के लिए सभी दोस्त मिलकर वो जॉब छोड़ देते हैं वो एक पहली लो कॉस्ट

परेश गोस्वामी यानी कि जो रोल प्ले करे परेश रावल उनके साथ मीटिंग करने की ट्राई करता है लेकिन वहाँ से उनको उतनी बढ़िया तरीके से हेल्प नहीं मिलती है उल्टा उनकी तरफ से जो उनको बाहर निकालने की ज़्यादातर धमकियाँ दी जाती है तो उसके बाद की कहानी ये है कि निडू मारन किस तरह से अपने सपनों को फुलफिल करेगा साथ ही में जो डेकन एयर है उनकी जो कंपनी है जहाँ पे वो लो कॉस्ट एयरलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं उसको वो कैसे कंप्लीट करेगा उसको लॉन्च कैसे करेगा उस उस सभी चीज़ों को करने के लिए उसको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा वही सब जर्नी आपको फिल्म में देखने को मिलेगी जिसको काफ़ी बेहतरीन वे में सुधा कोंगारा जी ने दिखाई हुई है इस फिल्म के प्लस पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सूर्या उन्होंने इस फिल्म में अपने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है इसके बाद जय भीम आई हुई थी वहां पे उनकी परफॉर्मेंस इससे भी बेहतर नजर आएगी इंटेंसिटी फिल्म में जो इस तरह से देखने को मिलती है वो सभी चीजें सूर्या ने अपने कैरेक्टर में बढ़िया तरीके से डाली हुई है अभी तक उनकी जितनी भी परफॉर्मेंस उनकी देखने को मिली है उसके मुकाबले इस फिल्म के परफॉर्मेंस कुछ अलग ही लेवल वाली देखने को मिलती है सीन सीन बाय वो जिस तरह से अपने कैरेक्टर के साथ चीज़ें डिलीवर करते हुए नजर आते है वो आपको इंप्रेस कर देंगे साथ ही में उनके कैरेक्टर में जो एक सपने फुलफिल करने के जो एक जुनून दिखाया हुआ है उस जुनून के प्रति उनका कैरेक्टर किस तरह से एक पागलपन वाला देखने को मिलता है उन सभी चीजों में उन्होंने बढ़िया तरीके से बैलेंस करके अपना काम दिखाया हुआ है इंटरवल सीन में जिस तरह से जो सभी चीजें दिखाई हुई है सपना टूट जाता है उन सभी चीजों को किस तरह से उन्होंने क्रिएट किया हुआ है साथ ही में जो क्लाइमेक्स एपिसोड क्रिएट किया हुआ है वो सभी चीजें हमारे इमोशंस को काफी बढ़िया तरीके से पकड़ती है उन सभी इमोशंस का एक रोलर कोस्टर आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करेगा सूर्या परफेक्ट वे में पूरा सो स्टील करते हुए नजर आते हैं वो स्टील द शो वाला जो लाइन होता है ना उसी टाइप कई काम था उनका फिल्म में फर्स्ट सीन से लेकर आश लास्ट सीन तक वही आपको पूरी तरह से अपने फिल्म के प्रति बांध के रखेंगे जिसकी वजह से फिल्म आपको काफी ज्यादा एंगेजिंग और साथ ही में इम्प्रेसिव काम नजर आएगा और इस फिल्म में आपको वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर की बात करें सूर्या के अलावा तो अपर्णा बाला मुरली जो सेकंड जो हीरोइन का रोल प्ले कर रही है और उन्होंने सूर्या के कैरेक्टर को जिस तरह से सपोर्ट किया हुआ था आप सुपर वे में इंप्रेस हो जाओगे उनका वो परफॉर्मेंस काफी मेच्योरिटी वाला नजर आ रहा था उसमें में जिस तरह से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की हुई है जिस तरह सूर्य के साथ में उनकी केमिस्ट्री देखने को मिलती है उनके लुक्स उनके एक्सप्रेशन उनकी बॉडी लैंग्वेज वो जिस तरह से अपने इमोशंस डिलीवर करती है उनके फेशियल एक्सप्रेशन उन सभी चीज़ों में वो बढ़िया नजर आ रही थी सूर्य के साथ इतनी सॉलिड वे में उन्होंने केमिस्ट्री क्रिएट की हुई थी जो फिल्म के बेसिक और मेजर एसेट है जो फिल्म के प्रति हमें और बेहतर वे में कनेक्ट करते हैं और उन्होंने जिस तरह से उनके वाइफ के रोल में अपना डिलीवर परफॉर्मेंस डिलीवर किया वो सुप्रीमरी वेल नजर आ रहा था मोहन बाबू उनके पास उतना स्क्रीन टाइम नहीं था लेकिन तीन चार सीन में भी वो हमें आसानी से इंप्रेस कर जाते हैं उनका वो कैरेक्टर बढ़िया तरीके से एक डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहता है जिस वजह से फिल्म के वो छोटे मोटे किरदार भी आपके दिमाग में छप जाते हैं साथ ही में दूसरे सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने जिस तरह से काम किया हुआ था वो नेचुरल और बढ़िया नजर आ रहा था इस फिल्म की सबसे बड़ी बात वो इमोशनल एस्पेक्ट फिल्म के जो इमोशनल चीजें उसको डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था साथ ही में उन सभी चीजों को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है जिस तरह से एक नेरेशन दिखाया हुआ है उसके ऊपर सभी एक्टर की जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है तो वो सभी चीजें फिल्म को और ज्यादा स्ट्रोंग कर रही थी इमोशन बढ़िया तरीके से हमारे लिए वर्क करते हुए नजर आते जिस वजह से फिल्म के जो एक सपना होता है कि एक एयरलाइन स्टार्ट करना है लो कॉस्ट वाली तो उन सभी चीजों में जो इमोशन अलग अलग तरीके से हमारे सामने पेश किए जाते हैं मदरसन का रिलेशन हस्बैंड वाइफ का एंगल देखने को मिलता है सूर्य और परस राहुल के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट देखने को मिलता है तो उन सभी एपिसोड को इतना बेहतरीन इमोशनली कनेक्ट किया हुआ इमोशन के साथ दिखाया हुआ है जो हमें काफी बढ़िया तरीके से ग्रिपिंग मैनर में पेश करते हुए नजर आते हैं तो वो एपिसोड हमें जरूर कनेक्ट करते हैं और एंगेजिंग भी रखते हैं परेश रावल जो अपने रोल में काफ़ी क्लासी नज़र आ रहे थे वैसे तो उनके एक्टिंग पे सवाल उठाना मतलब कि काफ़ी बड़ी बात हो गई वो अपने परफॉर्मेंस से काफ़ी बढ़िया तरीके से देव्थ क्रिएट करने में कामयाब रहे उनकी परफॉर्मेंस फिल्म को और भी बेहतर लेवल पे ले जाती है जिस तरह से उनके कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टॉइट देखने को मिलते सूर्या के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ है वो कन्फ्रंटेशन वाले सीन काफ़ी बढ़िया थे वो सभी चीज़ें फिल्म को और देव्थ क्रिएट करने में कामयाब रहती है इन सभी चीज़ों के अलावा जो प्रोडक्शन डिज़ाइन आपको देखने को मिलती है वो बढ़िया थी फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू हाई नज़र आ रही थी काफ़ी सॉलिड प्रोडक्शन डिजाइन थी साथ ही में जो विजुअल्स थे वो बढ़िया तरीके से जो इरा दिखाया हुआ था जो समय गाला दिखाया हुआ था उसको सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सुपर मैनर में क्रिएट किया हुआ था साथ ही में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके कुछ ऐसे सिक्वेंस देखने को मिलते जो आप में काफ़ी बढ़िया तरीके से घुस बम क्रिएट कर देंगे जो सिक सिक्वेंस और सीनारियो दिखाया होता था वहाँ पर आपको आर्ट वर्क काफी बढ़िया देखने को मिलेगा और आर्ट डायरेक्टर ने जिस तरह से उन सभी चीजों को क्रिएट किया हुआ है वो आपका दिल जीत लेंगे क्योंकि उन सभी चीजों में आपको एक ज़रूर नजर आएगी और उन्हीं के साथ जो गुजबंग वाले सीन देखने को मिलते हैं उसमें डायरेक्टर की तारीफ करनी पड़ेगी जो गुजबं ओरिएंटेड सीन्स थे उसको काफी वेल तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था जो आपको इम्प्रेस भी करेंगे एंगेजिंग भी रखेंगे और फिल्म का जो नरेशन है वो अंत तक आपके साथ बने रहेगा माइनस पॉइंट की बात करें तो फिल्म काफ़ी सीरियस नोट के साथ चलती रहती है जहाँ पे रेगुलर ऑडियंस है जो फिल्म के प्रति जो सूर्य की फिल्में देखती आई है उनको एक्शन चाहिए या फिर कुछ कॉमेडी रोमांस ये सभी चीज़ें चाहिए तो वो इस फिल्म में ज़रूर उनको मिसिंग लगेगी हालांकि ये फिल्म का टोन ही अलग है तो उस टाइप की ऑडियंस शायद इस फिल्म से इस फिल्म को देखने आएगी तो अगर वो देखेगी तो वो शायद डिसअपॉइंट हो सकती है अदरवाइज फिल्म काफ़ी मजबूत और भारी है फिल्म की पेज जरूर थोड़ी स्लो नजर आएगी कहां पे जिस तरह से स्टोरी को अनफोल्ड किया जाता है वो थोड़ी डिटेलिंग मैनर में किया जाता है तो फिल्म के पहले दस मिनट आपको थोड़े फिल्म के टेन मिनट्स और पॉस्ट इंटरवल इंटरवल के पहले वो थोड़े डल नज़र आएंगे थोड़ा मेलो ड्रामा देखने को मिलेगा कुछ स्ट्रगल वाले ली रिपेटिटिव सीन बार बार देखने को मिलेंगे सूर्य किस तरह से रिपेटेटिवली उन सभी चीज़ों को दिखाया जाता है स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं तो वो सभी चीज़ें शायद आपको थोड़ी ज़्यादा स्लो पेश करती हुई नज़र आएगी फिल्म को स्लो करती हुई नज़र आएगी इस फिल्म को थोड़ा फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो दिखाया हुआ था कि सूर्य किस तरह से एयरलाइन स्टार्ट करने के लिए पैसा इकट्ठा करता है तो उन उन सभी पॉइंट को उतना बेहतर वे में वो नहीं दिखा पाए जहाँ पे वो एक टाइम पे पंद्रह हजार रुपए के लिए भी अपने पास नहीं थे जहाँ पे उन, उस पैसे के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे तो उसके बाद में उनका जो एयरलाइन स्टार्ट करने का सपना वो सभी चीजें थोड़ी आर्टिफिशियल नजर आ जाती है थोड़ी लाइन खींचती हो ऐसा नजर आता है बाकी ओवरऑल फिल्म काफी बेहतरी थी टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट इतने स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे जिस वजह से फिल्म टेक्निकली काफी स्ट्रोंग नजर आती है एक पॉइंट तो वही है जो फिल्म आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करके रखती है म्यूजिक की बात करें बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो फिल्म के सबसे मेजर प्लस पॉइंट है जहाँ पे जीवी प्रकाश कुमार जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है वो बढ़िया तरीके से इस फिल्म में अपना म्यूजिक देते हुए नजर आते इस प्रोसीडिंग में वो अच्छा तरीके से अपन को फील करवाने में कामयाब रहते हैं जिस तरह से मैंने कहा कि फिल्म में काफ़ी सारे इमोशनल एंगल देखने को मिलते हैं उन सभी एंगल को अच्छी तरह से हमारे सामने वो अपने म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट करने में कामयाब रहते हैं उन सभी इमोशंस को म्यूजिक के थ्रू अच्छी तरह से कनेक्ट करने में कामयाब रह जाते कैमरा वर्क काफ़ी शानदार देखने को मिलता है सिनेमेटोग्राफर ने

इसके अलावा फिल्म की जो हिंदी की डबिंग है वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती हाँ परेश रावल वाले के की डबिंग उतनी खास नहीं की गई लेकिन ओवरऑल डबिंग की बात कर काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती है इसके अलावा फिल्म में जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन देखने को मिलता है वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से प्लान किया हुआ था सभी चीज़ें परफेक्टली प्लान करके क्रिएट की हुई थी जो आपको जरूर फिल्म देखते हुए महसूस होगी डायरेक्टर सुधा कोंगारा जो एक बार फिर से अपनी फिल्मों से परप्रोव करती हूँ नजर आती है कि उनकी फिल्म देखने लायक क्यों होती है इससे पहले उनकी जो साला खडूस फिल्म आई थी वो भी उतनी ही बेहतरीन फिल्म थी इस फिल्म में वो जिस तरह से हमारे सामने कुछ बेहतरीन वे में फिक्सनल एलिमेंट के साथ वो इफेक्ट्स को दिखाने में कामयाब रही है जो जिस तरह से मैनका की फिल्म की कहानी एक बुक के ऊपर बेच रहे तो वहाँ से कुछ कोर पॉइंट उठाकर जो फिक्सनल एलिमेंट एड करके उन्होंने जिस तरह फिल्म को नेरेट किया हुआ है तो वो सभी चीजें इंगेजिंग और एंटरटेनिंग नजर आ रही थी सुधा कौंगार बढ़िया तरीके से हमें इमोशनली कनेक्ट करते जो इमोशन का रोलर कोस्टर देखने को मिलता है वो बढ़िया तरीके से एंगेजिंग और क्रिपिंग नजर आ रहा था फिल्म का ड्रामा काफी क्रिटी था जिसको जिसके लिए वो फिल्म को जिस तरह से उन ड्रामा को ड्रामा को शोकेस किया हुआ था वो फिल्म के बिगेस्ट हाईलाइट पॉइंट थे वो जिस तरह से सूर्या के कैरेक्टर के थ्रू हमें फिल्म के थ्रू पूरी तरह से कनेक्टेड रखती है उस कैरेक्टर के थ्रू जो इमोशनली पूरा फिल्म वो हमारे दिखाने में कामयाब रही है वो से ड्रीम अचीव करता है, उन सभी चीज़ों को उन्होंने काफी बेहतरीन वे में हमारे सामने पेश किया हुआ है तो सुधा कोंगारा पूरी तरह से अपनी फिल्म के साथ हमें बनाए रखती है जिस वजह से ये फिल्म का नरेशन काफी मजबूत था इमोशनल पार्ट काफी मजबूत थे एक्टिंग काफी मजबूत थी म्यूजिक काफी मजबूत था कैमरा वर्क काफी बेहतर था डबिंग इतनी बेहतरीन थी तो फिल्म में खामियां का निकालना बहुत कम है कमियां बहुत कम है फिल्म में हाँ एक दो कमी आपको शायद खल सकती है बाकी ओवरऑल बात करें तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसे मिस नहीं करना चाहिए एक क्लास ऑडियंस के लिए बनी फिल्म है मास ऑडियंस को भी पसंद आएगी और फैमिली को भी पसंद आएगी अगर वो इस फिल्म में इन सभी एस्पेक्ट को देख फिल्म देखते हैं तो और बेहतर रहेगी तो ओवरऑल बात करें तो आप सूरा राय जिसको तेलुगु में नाम दिया था आकाशम नी हाडूरा और इसके अलावा हिंदी में नाम दिया था उड़ान तो इस फिल्म को आप तो जरूर देखना चाहिए ये फिल्म इस तरह से डायरेक्टर ने बनाई हुई है जिस वजह से एक मोटिवेशन भी मिलता है साथ ही में फिल्म आपको बढ़िया तरीके से कनेक्ट भी करके रखती है जहाँ पे सूर्य सूर्या का अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर में जो इमोशन का रोलर कोस्टर दिखाया हुआ है जिस ड्रीम फुलफिल करने में जो इमोशंस दिखाए हुए वो बढ़िया थे फिल्म का सेटअप अच्छा था स्टोरी बढ़िया थी उसका नरेशन बढ़िया था अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिलते प्रोडक्शन वैल्यू सुपर थी वे इफेक्ट्स अच्छा था म्यूजिक उससे भी शानदार था एंगेजिंग ड्रामा देखने को मिलता है साथ ही में सीन बाई सीन जिस तरह से जो सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो और भी बेहतरीन तरीके से हमारे सामने कनेक्ट होता है तो फिल्म की अगर थोड़ी बहुत स्लो पेस को आप इग्नोर कर दोगे तो ये एक वेल मेड रिसेंट टाइम की फिल्म है जो क्लास ऑडियंस के साथ सभी ऑडियंस को पसंद आएगी जहाँ पे आप ज़रूर इस फिल्म के थ्रू इंस्पायर होंगे तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए मिस नहीं करनी चाहिए अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म को हिंदी में डब करवाए तमिल में भी अपलोड किया हुआ है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह फिल्म अगर आपके पास सब्सक्रिप्सन है तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो जहाँ पर

एम भक्तवसलम नायडू का रोल प्ले करे परेश रावल परेश गोसामी के रोल में दिखाई देंगे अपर्णा बाला मुरली को सुंदरी बोम्मी निडूमारन यानी कि मारा की वाइफ का रोल दिया गया है उर्वशी जो पेची यानी कि मार की माँ के रोल में दिखाई देंगी करुणा जिनको अल्पराय का रोल दिया गया है विवेक प्रसन्ना जो स्टेबस्टियन के रोल में दिखाई देंगे कृष्णा कुमार जिनको चैतन्य चय राव का रोल दिया गया है काली वेंकट को काली का रोल दिया गया है अच्युत कुमार आनंदा नारायण का रोल में दिखाई देंगे जी ज्ञान संबंधम जो चिन्ना स्वामी यानी कि बॉम्मी के फादर के रोल में दिखाई देंगे विनोदिनिय विद्यनाथन जो चित्र रामास्वामी के रोल में दिखाई देंगे विशालिनी जो मुथु लक्ष्मी की माँ के रोल में दिखाई देंगी प्रकाश बेलवाड़ी जिन्होंने प्रकाश बाबू का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्रन दुराईराज जिन्होंने अरिव आर एस शिवाजी ने अनंत नारायण पाका और पू रामू ने राजंगम मारा के फादर के रोल में दिखाई देंगे डान धनो जिन्होंने विमल पलैया का रोल प्ले किया हुआ है प्रिया प्रिंस जिन्होंने सेबी की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है कासंद्रा ने प्रीति यानी कि चेस के लवर का रोल प्ले किया हुआ है सुपर गुड सुब्रमण्य को मैरिज ब्रोकर के रोल में रोल दिया गया था इलान सेबिस के सन और इयाल भी सेबिस के डॉटर के रोल में दिखाई देती है सोमशेखर जिनको आई एफ कैडेट का रोल दिया गया है सेंथिल कुमार जो अपने ही सैंतिल कुमार के ही के कैरेक्टर में स्पेशल अपेरेंस देते हुए नजर आएंगे वर्षा नायर जो एक पायलट के रोल में है आर जे आनंदी जो स्ट्यू रोडर के रोल में दिखाई देती है शेख मेडन जो ए पी जे अब्दुल कलाम के किरदार में दिखाई देंगे तो यही सभी एक्टर है जिन्होंने इन सभी कैरेक्टर को डिलीवर किया हुआ है जो भी मैंने आपको कहानी बताई उसमें ये सभी रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे डेवलपमेंट की बात करें तो 2009 में सुधा सुधा कोंगारा ने इस फिल्म के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट किया था और उसके बाद में फाइनली फिल्म का जो कहानी है जो कास्टिंग है वो सभी कंप्लीट करने के बाद 13 अप्रैल 2019 को फिल्म का टाइटल सोरा राय पोत्रो फ्थ पोस्टर रिलीज कर दिया गया था और उसके बाद में फिल्म को जो कोविड 19 के चलते काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे बेच दिया गया था जिसको ओटीटी पे अच्छी खासी प्राइस में बेचा गया था करीबन इस फिल्म को इस फिल्म से प्रोड्यूसर्स को शायद तीस चालीस करोड़ का मुनाफा हुआ था उसके बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो ने भी सूर्या के प्रोडक्शन के साथ चार पांच फिल्मों का साइन किया हुआ था जहाँ पे जय भीम भी शामिल है जो भी काफी बड़ी हिट साबित हुई थी जो इससे बड़ी तरीके से वर्क कर गई थी सूरा पत्र के साउंड ट्रेक की बात करें तो वो 2019-20 में रिकॉर्ड किया गया था सोनी म्यूजिक के पास इस फिल्म के राइट से जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है चौबीस जुलाई दो

अब इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स की बात करें तो तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ा जो टोटल चार वर्जन है साउथ इंडियन उसके सभी राइट सन टीवी के नेटवर्क के पास है सन नेटवर्क ने इसके राइट्स खरीदे हुए हैं जिन्होंने इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल के मौके पर किया हुआ था थिएट्रिकली जैसे कि मैंने कहा था तेईस अगस्त दो हज़ार इक्कीस को इस फिल्म में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन बाद में कोविड नाइन्टीन के चलते चीज़ें सही नहीं गई चीज़ों को सही नहीं जाने की वजह से थिएटर अच्छे नहीं चल रहे थे थिएटर में फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी थी प्रॉपर वे में ऑडियंस नहीं आ रही थी जिस वजह से रिस्क ना लेते हुए उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट ओ टी टी प्लेटफॉर्म को बेच दिया जिसके बाद अमेजॉन प्राइम वीडियो ने अच्छी खासी प्राइज में इस फिल्म को खरीदा और रिलीज़ किया और रिलीज़ के बाद अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला जिस वजह से फिल्म को बाद में लेटर में हिंदी डब करवाया गया जिसको गोलमाइंस वालों के साथ कंबाइंड होकर अमेजोन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को डब किया हुआ है जिसकी डबिंग काफ़ी बेहतरीन है और इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन को उडान के नाम के साथ रिलीज़ किया गया था तो ओवरऑल ये फिल्म आपको एज ए पेन इंडिया तौर पे रिलीज़ होती हुई नजर आई होगी जिसको इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था ओ टी टी प्राइम वीडियो तो ये फिल्म अभी आपको फिलहाल में ओटी टी प्लेटफॉर्म एमेजोन प्राइम वीडियो पे देखने को मिलने वाली है जहाँ पे सोरा राय पोत्रो के नाम से तमिल में दूसरे सभी वर्जन के साथ कन्नड़ा तेलगू मलयालम और हिंदी वर्जन में उड़ान के साथ ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी तो अगर आपको ये फिल्म देखनी है हिंदी वर्जन भी देखना है या ओरिजिनल तमिल वर्जन देखना है तो आपको ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पे ही ऑफिशियली देखने को मिलेगी अगर आपके पास अमेजन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो ये फिल्म आप बिल्कुल वहाँ पे सूरा राय पोथ्रू के नाम से तमिल में और उड़ान के नाम से हिंदी में विथ इंग्लिश सब के साथ देख सकते हो जो आपको जरूर देखना चाहिए ये काफ़ी अमेजिंग फिल्म है इसे मिस नहीं करना चाहिए हिंदी वर्जन 4 अप्रैल 2021 को रिलीज किया गया था जिसको अच्छा खासा रिस्पांस मिला था जिस वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो वहां पे जाके देख सकते हो राय दो जो 2020 की इंडियन तमिल लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है सुधा कोंगारा ने इसके अलावा फिल्म की जो स्टोरी आइडिया है वो भी सुधा कोंगारा का ही था स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट वसुधा सुधा कोंगारा के ही आपको देखने को मिलेगी जहां पे स्क्रीन प्ले में उनको सालिनी उषा देवी और विजय कुमार ने हेल्प की हुई थी और इस फिल्म की जो कहानी है जो आइडिया है वो सिंपली फ्लाई अ डेकन ओड से जो जी आर गोपीनाथ की एक बुक है उसके ऊपर बेस्ड है वहाँ से इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है हाँ फिल्म की कहानी में जरूर थोड़ी बहुत लिबर्टी ली हुई है सिनेमेटिक लिबर्टी ली हुई है लेकिन ओवरऑल फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है बेज जो मेन कोर पॉइंट है वो वहाँ से उठाया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो फिल्म के लीड एक्टर जो सूर्या है वही इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं साथ ही में उनके साथ एंटरटेनमेंट इन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अब बात करें फिल्म के लीड कास्ट की तो आपको लीड रोल में सूर्या मोहन बाबू परेश रावल और अपर्णा बाला मुरली देखने को मिलेंगे इसके अलावा काफी बड़ी लंबी सपोर्टिंग कास्ट है जहां पे उर्वशी करुणास विवेक प्रसन्ना कृष्णा कुमार काली वेंकट अच्युत कुमार जी ज्ञान विनोदी विद्यानाथन विशालिनी प्रकाश बेलवाडी रामचंद्रन दुराईराज आर एस शिवाजी पू रामू धन धनोआ प्रिया प्रिंस कसंद्रा सुपर गुड सुब्रमणी इलान इयाल सोप शेखर सोमशेखर सेंथिल कुमार वर्षा नेर आरजे आनंदी और शेख मेटेन जहां पे सेंथिल कुमार का आपको एक स्पेशल अपीरेंस देखने को मिलेगा तो ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में हैं, तो ये सभी एक्टर मिलकर फिल्म में काम किया हुआ है मैं आगे आपको डिटेलिंग दूंगा कौन सा कैरेक्टर क्या रोल प्ले कर रहा था यानी कि कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा था उसके ऊपर भी डिटेलिंग देने वाला हूं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे तो अब बात करते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट की तो जिस तरह से कहा कि स्क्रीन प्ले सुधा कोंगारा का सालिनी उषा देवी और विजय कुमार का स्टोरी आइडिया और डायरेक्शन सुधा कोंगारा का है उसके बाद निरेशन क्या हुआ है आर माधवन ने जिन्होंने तमिल वर्जन इस फिल्म को नेरेट किया हुआ था सिनेमेटोग्राफर यानी कि कैमरा वर्क देखने को मिलेगा निकेत बोमी रेड्डी का एडिटिंग किए हुए सतीश सूर्या ने म्यूजिक दिया हुआ है जीवी प्रकाश कुमार ने जो खुद एक लीड एक्टर भी है डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन कोविड की जो प्रोटोकॉल आए थे जिस तरह से थिएटर में ऑडियंस नहीं जा रही थी उस हिसाब से इस फिल्म को डायरेक्ट ओ टी पे रिलीज कर दिया गया था और उसके बाद इस फिल्म के बाद जिसके साथ ओ की डील की हुई थी वो थे अमेजोन प्राइम वीडियो तो अमेजोन प्राइम वीडियो के साथ सूर्या ने अपने प्रोडक्शन के नीचे दो चार पांच फिल्में बनी है उसका डायरेक्ट ओ रिलीज के लिए साइन किया हुआ है यानी कि उन दोनों के बीच में कुछ चार पांच फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहाँ पे सूर्या राय पोत्रो के बाद जय भीम भी वहाँ पर ओ टी पे रिलीज हुई है जो सूरा राय पोत्रू से भी बड़ी धूम मचाई हुई थी उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे अभी बात कर लेते थे इस फिल्म की कहानी के रिगार्डिंग जिस तरह से ने कहा कि यह फिल्म की कहानी किसी कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है जो किसी बुक लिखी किसी ने बुक लिखी हुई थी उस बुक पे से फिल्म की कहानी का जो कोर पॉइंट है वो उठाया हुआ है इसके अलावा भी मैं आपको फिल्म के कहानी के साथ साथ फिल्म के प्लस माइनस पॉइंट और साथ ही में फिल्म की रिव्यू भी दूंगा और फिल्म की कहानी भी सुनाऊंगा तो वीडियो अभी काफी बेहतरीन होने वाला है तो जरूर अंत तक देखिएगा तो सूरा राय का जो हिंदी वर्जन है उसकी कहानी से पहले मैं आपको बता दूँ इस फिल्म के रिलीज़ के रिगार्डिंग तो 12 नवंबर 2020 को इस फिल्म को करीबन 150 मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था जहां पे एडिटर सात्या सूर्या ने फिल्म को करीबन 145-50 मिनट का रखा हुआ था तमिल वर्जन के साथ साथ इस फिल्म को तेलुगू वर्जन में भी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया था उसके बाद फिल्म को हिंदी डब वर्जन में एक महीने के बाद अमेज़न प्राइम वीडियो ने गोलमैस के साथ मिलकर कोलाबरेट करके इस को रिलीज करा था था जिसका नाम रखा गया उड़ान तो नाम भी अच्छा है कहानी जो जिस तरह की कहानी है उस हिसाब से ये ना कि बेतुका नाम रखा हुआ है जैसे कि सराय नोडू यानी दिलवाला और इस टाइप के कुछ नाम पहले आया करते थे उस टाइप के नाम भी इस फिल्म में देखने को नहीं मिलेंगे अब सुराराय पोत्रू का मैं आपको अभी रिव्यू बताने वाला हूँ जहाँ पे फिल्म की कहानी के साथ प्लस और माइनस पॉइंट और टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में हम बात करेंगे तो अब सुराराय पोत्रू के रिव्यू के ऊपर हम चाहते हैं तो फिल्म की कहानी के ऊपर बात करेंगे जहाँ पे चंद महेश जिसका रोल प्ले करे सूर्या जो एक वेल एजुकेटेड यूथ है और उसका सपना काफ़ी बड़ा है उसका सपना ये है कि वो एक बड़ी एयरलाइन स्टार्ट करे जहाँ पे वो इसे उसके लिए पायलट की कोर्स करता है उसकी पढ़ाई करता है और वो एक पायलट भी बन जाता है जैसे समय बीतता है उसके फ्रेंड्स के साथ वो जॉब कर रहा होता है जो वेल सेटल जॉब रहती है उस जॉब को वो छोड़ देता है अपने ड्रीम को पाने के लिए सभी दोस्त मिलकर वो जॉब छोड़ देते हैं वो एक पहली लो कॉस्ट एयर टेकन एयर स्टार्ट करना एयरलाइन स्टार्ट करना चाहते जिसके लिए उन्होंने ये जॉब छोड़ी हुई है तो अब ये सूर्या का जो कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है नीडो मारन जिसको ये जॉब छोड़ने की वजह से काफी ज्यादा सा, ज्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं लेकिन वो अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहता है और साथ ही में वो कुछ बड़े नाम है इस इंडस्ट्री में जैसे कि परेश गोस्वामी यानी कि जो रोल प्ले करे परेश रावल उनके साथ मीटिंग करने की ट्राई करता है लेकिन वहाँ से उनको उतनी बढ़िया तरीके से हेल्प नहीं मिलती है उल्टा उनकी तरफ से जो उनको बाहर निकालने की ज़्यादातर धमकियाँ दी जाती है तो उसकी बात की कहानी ये है कि निरू मारन किस तरह से अपने सपनों को फुलफिल करेगा साथ ही में जो डेकन एयर है उनकी जो कंपनी है जहाँ पे वो लो कॉस्ट एयरलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं उसको वो कैसे कंप्लीट करेगा उसको लॉन्च कैसे करेगा उस उस सभी चीज़ों को करने के लिए उसको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा वही सब जर्नी आपको फिल्म में देखने को मिलेगी जिसको काफी बेहतरीन वे में सुधा कोंगारा जी ने दिखाई हुई है इस फिल्म के प्लस पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सूर्या उन्होंने इस फिल्म में अपने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है इसके बाद जय भीम आई हुई थी वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस इससे भी बेहतर नजर आएगी इंटेंसिटी फिल्म में जो इस तरह से देखने को मिलती है वो सभी चीजें सूर्या ने अपने कैरेक्टर में बढ़िया तरीके से डाली हुई है अभी तक उनकी जितनी भी परफॉर्मेंस उनकी देखने को मिली है उसके मुकाबले इस फिल्म के परफॉर्मेंस कुछ अलग ही लेवल वाली देखने को मिलती है सीन सीन बाय वो जिस तरह से अपने कैरेक्टर के साथ चीज़ें डिलीवर करते हुए नजर आते है वो आपको इंप्रेस कर देंगे साथ ही में उनके कैरेक्टर में जो एक सपने फुलफिल करने के जो एक जुनून दिखाया हुआ है उस जुनून के प्रति उनका कैरेक्टर किस तरह से एक पागलपन वाला ने को मिलता है उन सभी चीजों में उन्होंने बढ़िया तरीके से बैलेंस करके अपना काम दिखाया हुआ है इंटरवल सीन में जिस तरह से जो सभी चीजें दिखाई हुई है सपना टूट जाता है उन सभी चीजों को किस तरह से उन्होंने क्रिएट किया हुआ है साथ ही में जो क्लाइमेक्स एपिसोड क्रिएट किया हुआ है वो सभी चीजें हमारे इमोशंस को काफी बढ़िया तरीके से पकड़ती है उन सभी इमोशंस का एक रोलर कोस्टर आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करेगा सूर्या परफेक्ट वे में पूरा शो स्टील करते हुए नजर आते हैं वो स्टील द शो वाला जो लाइन होता है ना उसी टाइप का ही काम था उनका फिल्म में से लेकर लास्ट सीन तक वही आपको पूरी तरह से अपने फिल्म के प्रति बांध के रखेंगे जिसकी वजह से फिल्म आपको काफी ज्यादा एंगेजिंग और साथ ही में इंप्रेसिव काम नजर आएगा और इस फिल्म में आपको वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर की बात करें सूर्या के अलावा तो अपर्णा बाला मुरली जो सेकंड जो हीरोइन का रोल प्ले कर रही है और उन्होंने सूर्या के कैरेक्टर को जिस तरह से सपोर्ट किया हुआ था आप सुपर वे में इंप्रेस हो जाओगे उनका वो परफॉर्मेंस काफ़ी मेच्योरिटी वाला नज़र आ रहा था उसमें जिस तरह से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की हुई है जिस तरह सूर्या के साथ में उनकी केमिस्ट्री देखने को मिलती है उनके लुक्स उनके एक्सप्रेशन उनकी बॉडी लैंग्वेज वो जिस तरह से अपने इमोशंस डिलीवर करती है उनके फेशियल एक्सप्रेशन उन सभी चीजों में वो बढ़िया नजर आ रही थी सूर्य के साथ इतनी सॉलिड वे में उन्होंने केमिस्ट्री क्रिएट की हुई थी जो फिल्म के बेसिक और मेजर एसेट है जो फिल्म के प्रति हमें और बेहतर वे में कनेक्ट करते है और उन्होंने जिस तरह से उनके वाइफ के रोल में अपना डिलीवर परफॉर्मेंस डिलीवर किया वो सुप्रीमली वेल नज़र आ रहा था मोहन बाबू उनके पास उतना स्क्रीन टाइम नहीं था लेकिन तीन चार सीन में भी वो हमें आसानी से इंप्रेस कर जाते हैं उनका वो कैरेक्टर बढ़िया तरीके से एक डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहता है जिस वजह से फिल्म के वो छोटे मोटे किरदार भी आपके दिमाग में छप जाते हैं साथ ही में दूसरे सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने जिस तरह से काम किया हुआ था वो नेचुरल और बढ़िया नज़र आ रहा था इस फिल्म की सबसे बड़ी बात वो इमोशनल एस्पेक्ट फिल्म के जो इमोशनल चीजें उसको डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था साथ ही में उन सभी चीजों को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है जिस तरह से एक नेरेशन दिखाया हुआ है उसके ऊपर सभी एक्टर की जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है तो वो सभी चीजें फिल्म को और ज्यादा स्ट्रोंग कर रही थी इमोशन बढ़िया तरीके से हमारे लिए वर्क करते हुए नजर आते जिस वजह से फिल्म के जो एक सपना होता है कि एक एयरलाइन स्टार्ट करना है लो कॉस्ट वाली तो उन सभी चीजों में जो इमोशन अलग अलग तरीके से हमारे सामने पेश किए जाते हैं मदरसन का रिलेशन हस्बैंड वाइफ का एंगल देखने को मिलता है सूर्य और परेश रावल के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट देखने को मिलता है तो उन सभी एपिसोड को इतना बेहतरीन इमोशनली कनेक्ट किया हुआ इमोशन के साथ दिखाया हुआ है जो हमें काफी बढ़िया तरीके से ग्रिपिंग manner में पेश करते हुए नजर आते हैं तो वो एपिसोड हमें जरूर कनेक्ट करते हैं और एंगेजिंग भी रखते हैं परेश रावल जो अपने रोल में काफ़ी क्लासी नज़र आ रहे थे वैसे तो उनके एक्टिंग पे सवाल उठाना मतलब कि काफ़ी बड़ी बात हो गई वो अपने परफॉर्मेंस से काफ़ी बढ़िया तरीके से देव्थ क्रिएट करने में कामयाब रहे उनकी परफॉर्मेंस फिल्म को और भी बेहतर लेवल पे ले जाती है जिस तरह से उनके कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टॉइट देखने को मिलते हैं सूर्या के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ है वो कन्फ्रंटेशन वाले सीन काफ़ी बढ़िया थे वो सभी चीज़ें फिल्म को और देव क्रिएट करने में कामयाब रहती है इन सभी चीज़ों के अलावा जो प्रोडक्शन डिज़ाइन आपको देखने को मिलती है वो बढ़िया थी फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू हाई नज़र आ रही थी काफ़ी सॉलिड प्रोडक्शन डिजाइन थी साथ ही में जो विजुअल्स थे वो बढ़िया तरीके से जो इरा दिखाया हुआ था जो समय गाला दिखाया हुआ था उसको सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सुपर मैनर में, में क्रिएट किया हुआ था साथ ही में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके कुछ ऐसे सिकवेंस देखने को मिलते हैं जो आप में काफ़ी बढ़िया तरीके से घुस बम क्रिएट कर देंगे जो सिक्वेंस और सीनारियो दिखाया होता था वहाँ पर आपको आर्ट वर्क काफी बढ़िया देखने को मिलेगा और आर्ट डायरेक्टर ने जिस तरह से उन सभी चीजों को क्रिएट किया हुआ है वो आपका दिल जीत लेंगे क्योंकि उन सभी चीजों में आपको एक नेचुरलिटी जरूर नजर आएगी और उन्हीं के साथ जो गुशबं वाले सीन देखने को मिलते हैं उसमें डायरेक्टर की तारीफ करनी पड़ेगी जो गुजबं ओरिएंटेड सीन्स थे उसको काफी वेल तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था जो आपको इम्प्रेस भी करेंगे एंगेजिंग भी रखेंगे और फिल्म का जो नरेशन है वो अंत तक आपके साथ बने रहेगा माइनस पॉइंट की बात करें तो फिल्म काफ़ी सीरियस नोट के साथ चलती रहती है जहाँ पे रेगुलर ऑडियंस है जो फिल्म के प्रति जो सूर्य की फिल्में देखती आई है उनको एक्शन चाहिए या फिर कुछ कॉमेडी रोमांस ये सभी चीज़ें चाहिए तो वो इस फिल्म में ज़रूर उनको मिसिंग लगेगी हालांकि ये फिल्म का टोन ही अलग है तो उस टाइप की ऑडियंस शायद इस फिल्म से इस फिल्म को देखने आएगी तो अगर वो देखेगी तो वो शायद डिसअपॉइंट हो सकती है अदरवाइज फिल्म काफ़ी मजबूत और भारी है फिल्म की पेज थोड़ी स्लो नजर आएगी कहाँ पे जिस तरह से स्टोरी को अनफोल्ड किया जाता है वो थोड़ी डिटेलिंग मैनर में किया जाता है तो फिल्म के पहले दस मिनट आपको थोड़े फिल्म के टेन मिनट्स और पोस्ट इंटरवल इंटरवल के पहले वो थोड़े डल नजर आएंगे थोड़ा मेलो ड्रामा देखने को मिलेगा कुछ स्ट्रगल वाले ली रिपेटिटिव सीन बार बार देखने को मिलेंगे सूर्य किस तरह से रिपेटेटिवली उन सभी चीज़ों को दिखाया जाता है स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं तो वो सभी चीज़ें शायद आपको थोड़ी ज़्यादा स्लो पेस करती हुई नज़र आएगी फिल्म को स्लो करती हुई नज़र आएगी इस फिल्म को थोड़ा फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो दिखाया हुआ था कि सूर्य किस तरह से एयरलाइन स्टार्ट करने के लिए पैसा इकट्ठा करता है तो उन जब इस उन सभी पॉइंट को उतना बेहतर वे में वो नहीं दिखा पाए जहाँ पे वो एक टाइम पे पंद्रह हजार रुपये के लिए भी अपने बास नहीं थे जहाँ पे उन, उस पैसे के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे उसके बाद में उनका जो एयरलाइन स्टार्ट करने का सपना वो सभी चीजें थोड़ी आर्टिफिशियल नजर आ जाती है थोड़ी लाइन खींचती हो ऐसा नजर आता है बाकी ओवरऑल फिल्म काफ़ी बेहतरी थी टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट इतने स्ट्रांग नज़र आएंगे जिस वजह से फिल्म टेक्निकली काफ़ी स्ट्रोंग नज़र आती है एक पॉइंट तो वही है जो फिल्म आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करके रखती है म्यूजिक की बात करें बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो फिल्म के सबसे मेजर प्लस पॉइंट है जहाँ पे जीवी प्रकाश कुमार जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है वो बढ़िया तरीके से इस फिल्म में अपना म्यूजिक देते हुए नजर आते इस प्रोसीडिंग में वो अच्छा तरीके से अपन को फिल करवाने में कामयाब रहते हैं जिस तरह से मैंने कहा कि फिल्म में काफ़ी सारे इमोशनल एंगल देखने को मिलते हैं उन सभी एंगल को अच्छी तरह से हमारे सामने वो अपने म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट करने में कामयाब रहते हैं उन सभी इमोशंस को म्यूजिक के थ्रू अच्छी तरह से कनेक्ट करने में कामयाब रह जाते कैमरा वर्क काफ़ी शानदार देखने को मिलता है सिनेमेटोग्राफर ने

इसके अलावा फिल्म की जो हिंदी की डबिंग है वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती है। हाँ परेश रावल वाले किरदार की डबिंग उतनी खास नहीं की गई लेकिन ओवरऑल डबिंग की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती है इसके अलावा फिल्म में जो कॉस्ट्यूम डिजाइन देखने को मिलता है वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से प्लान किया हुआ था सभी चीज़ें परफेक्टली प्लान करके क्रिएट की हुई थी जो आपको जरूर फिल्म देखते हुए महसूस होगी डायरेक्टर सुधा कोंगारा जो एक बार फिर से अपनी फिल्मों से परो करती नजर आती है कि उनकी फिल्म देखने लायक क्यों होती है इससे पहले उनकी जो शाला खड़ूस फिल्म आई थी वो भी उतनी ही बेहतरीन फिल्म फिल्म थी इस फिल्म में वो जिस तरह से हमारे सामने कुछ बेहतरीन वे में फिक्शनल एलिमेंट के साथ वो फेक्ट को दिखाने में कामयाब रही है जो जिस तरह से मनका की फिल्म की कहानी एक बुक के ऊपर बेच रहे तो वहां से कुछ कोर पॉइंट उठाकर जो फिक्सनल एलिमेंट एड करके उन्होंने जिस तरह फिल्म को नेरेट किया हुआ है तो वो सभी चीजें इंगेजिंग और एंटरटेनिंग नजर आ रही थी सुधा अब बढ़िया तरीके से हमें इमोशनली कनेक्ट करते जो इमोशन का रोलर कोस्टर देखने को मिलता है वो बढ़िया तरीके से एंगेजिंग और नज़र आ रहा था फिल्म का ड्रामा काफी ग्रिटी था जिसको जिसके लिए वो फिल्म को जिस तरह से उन ड्रामा को ड्रामा को शोकेस किया हुआ था वो फिल्म के बिगेस्ट हाईलाइट पॉइंट थे वो जिस तरह से सूर्या के कैरेक्टर के थ्रू हमें फिल्म के थ्रू पूरी तरह से कनेक्टेड रखती है उस कैरेक्टर के थ्रू जो इमोशनली पूरा फिल्म वो हमारे दिखाने में कामयाब रही है वो किस तरह से ड्रीम अचीव करता है उन सभी चीज़ों को उन्होंने काफ़ी बेहतरीन वे में हमारे सामने पेश किया हुआ है तो सुधा कोंगारा पूरी तरह से अपनी फिल्म के साथ हमें बनाए रखती है जिस वजह से ये फिल्म का नरेशन काफ़ी मजबूत था इमोशनल पार्ट काफ़ी मजबूत थे एक्टिंग काफ़ी मजबूत थी म्यूजिक काफ़ी मजबूत था कैमरा वर्क काफ़ी बेहतर था डबिंग इतनी बेहतरीन थी तो फिल्म में खामियां का निकालना बहुत कम है कमियां बहुत कम है फिल्म में हाँ एक दो कमी आपको शायद खल सकती है बाकी ओवरऑल बात करें तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसे मिस नहीं करना चाहिए एक क्लास ऑडियंस के लिए बनी फिल्म है मास ऑडियंस को भी पसंद आएगी और फैमिली को भी पसंद आएगी अगर वो इस फिल्म में इन सभी एस्पेक्ट को देख फिल्म देखते हैं तो और बेहतर रहेगी तो ओवरऑल बात करें तो आप सूरा राय पोत्रु जिसको तेलुगु में नाम दिया था आकाशम नी हाडूरा और इसके अलावा हिंदी में नाम दिया था उड़ान तो इस फिल्म को आप तो जरूर देखना चाहिए ये फिल्म इस तरह से डायरेक्टर ने बनाई हुई है जिस वजह से एक मोटिवेशन भी मिलता है साथ ही में फिल्म आपको बढ़िया तरीके से कनेक्ट भी करके रखती है जहाँ पे सूर्य सूर्य का अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर में जो इमोशन का रोलर कोस्टर दिखाया हुआ है जिस ड्रीम फुलफिल करने में जो इमोशंस दिखाए हुए वो बढ़िया थे फिल्म का सेटअप अच्छा था स्टोरी बढ़िया थी उसका नरेशन बढ़िया था अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिलते प्रोडक्शन वैल्यू सुपर थी वे अच्छा था म्यूजिक उससे भी शानदार था इंगेजिंग ड्रामा देखने को मिलता है साथ ही में सीन बाय सीन जिस तरह से जो सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो और भी बेहतरीन तरीके से हमारे सामने कनेक्ट होता है तो फिल्म की अगर थोड़ी बहुत स्लो पेस को आप इग्नोर कर दोगे तो ये एक वेल मेड रिसेंट टाइम की फिल्म है जो क्लास ऑडियंस के साथ सभी ऑडियंस को पसंद आएगी जहाँ पे आप जरूर इस फिल्म के थ्रू इंस्पायर होंगे तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए मिस नहीं करनी चाहिए अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म को हिंदी में डब करवाया तमिल

मारा का प्ले करे मोहन बाबू एम भक्तवसलम नायडू का रोल प्ले करे परेश रावल परेश गोसामी के रोल में दिखाई देंगे अपर्णा बाला मुरली को सुंदरी बॉम्मी निडूमारन यानी मारा की वाइफ का रोल दिया गया है उर्वशी जो पेची यानी कि के मारिकी के माँ के रोल में दिखाई देंगी करुणा जिनको अल्पराय का रोल दिया गया है विवेक प्रसन्ना जो स्टेब के रोल में दिखाई देंगे कृष्णा कुमार जिनको चैतन्य चय चे राव का रोल दिया गया काली वेंकट को काली का रोल दिया गया अच्युत कुमार आनंदा नारायण का रोल में दिखाई देंगे जी ज्ञान संबंधम जो चिन्ना स्वामी यानी कि बॉम्मी के फादर के रोल में दिखाई देंगे विनोदिनिय विद्यनाथन जो चित्र रामस्वामी के रोल में दिखाई देंगे विशालिनी जो मुथु लक्ष्मी बॉम्मी की माँ के रोल में दिखाई देंगी प्रकाश बेलवाड़ी जिन्होंने प्रकाश बाबू का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्रन दुराईराज जिन्होंने अरिवू आर एस शिवाजी ने अनंत नारायण पाका और पू रामो ने राजंगम मारा के फादर के रोल में दिखाई देंगे डान धनो जिन्होंने विमल पलैया भा, का रोल प्ले किया हुआ है प्रिया प्रिंस जिन्होंने सेबी की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है कासंद्रा ने प्रीति यानी कि चेस के लवर का रोल प्ले किया हुआ है सुपर गुड़ सुब्रमण्य को मैरिज ब्रोकर के रोल में दि, रो, रोल दिया गया था इलान सेबिस के सन और इयाल भी के डॉटर के रोल में दिखाई देती है सोमशेखर जिनको आई एफ कैडेट का रोल दिया गया है सेंथिल कुमार जो अपने ही सैंतिल कुमार के ही के कैरेक्टर में स्पेशल अपेरेंस देते हुए नज़र आएंगे वर्षा नायर जो एक पायलट के रोल में है आर जे आनंदी जो स्ट्यू रोडर के रोल में दिखाई देती है शेख मेडन जो ए पी जे अब्दुल कलाम के किरदार में दिखाई देंगे तो यही सभी एक्टर है जिन्होंने इन सभी कैरेक्टर को डिलीवर किया हुआ है जो भी मैंने आपको कहानी बताई उसमें ये सभी रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे डेवलपमेंट की बात करें तो 2009 में सुंदर सुधा कोंगारा ने इस फिल्म के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट किया था और उसके बाद में फाइनली फिल्म का जो कहानी है जो कास्टिंग है वो सभी कंप्लीट करने के बाद 13 अप्रैल 2019 को फिल्म का टाइटल सूरा राय पोत्रो फ्थ पोस्टर रिलीज कर दिया गया था और उसके बाद में फिल्म को जो कोविड नाइन्टीन के चलते काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिल्म को डायरेक्ट ओ टी पे बेच दिया गया था जिसको ओ टी पे अच्छी खासी प्राइस में बेचा गया था करीबन इस फिल्म को, को इस फिल्म से प्रोड्यूसर्स को शायद तीस चालीस करोड़ का मुनाफा हुआ था उसके बाद फिल्म आ, अमेजन प्राइम वीडियो ने भी सूर्या के प्रोडक्शन के साथ चार पांच फिल्मों का साइन किया हुआ था जहाँ पे जय भीम भी शामिल भी है जो भी काफी बड़ी हिट साबित हुई थी जो इससे बड़ी तरीके से वर्क कर गई थी सूरा पोत्रो के साउंड ट्रेक की बात करें तो वो 2019-20 में रिकॉर्ड किया गया था सोनी म्यूजिक के पास इस फिल्म के राइट से जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है चौबीस जुलाई दो में सोनी म्यूजिक के द्वारा इस फिल्म के ऑडियो को रिलीज किया गया था इसके अलावा इस फिल्म को सभी वर्जन में डब किया गया है जहाँ पे फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है सूरा राय पोत्रो उसमें टोटल नौ सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे उन सॉन्ग्स की लेंथ है इकतीस मिनट पच्चीस सेकंड जहां पे कुछ सॉन्ग्स फिल्म के स्टोरी के रिगार्डिंग काफी बेहतरीन वे में आपको कनेक्ट करते हुए काम आएंगे बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करेंगे अब इस फिल्म के सेटेलाइट राइट्स की बात करें तो तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ा जो टोटल चार वर्जन है साउथ इंडियन उसके सभी राइट्स सन टीवी की के नेटवर्क के पास है सन नेटवर्क ने इसके राइट्स खरीदे हुए हैं जिन्होंने इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल के मौके पर किया हुआ था थिएट्रिकली जैसे कि मैंने कहा था तेईस अगस्त दो हज़ार इक्कीस को इस फिल्म में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन बाद में कोविड नाइन्टीन के चलते चीज़ें सही नहीं गई चीज़ों को सही नहीं जाने की वजह से थिएटर अच्छे नहीं चल रहे थे थिएटर में फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी थी प्रॉपर वे में ऑडियंस नहीं आ रही थी जिस वजह से रिस्क ना लेते हुए उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट ओ टी टी प्लेटफॉर्म को बेच दिया जिसके बाद अमेजॉन प्राइम वीडियो ने अच्छी खासी प्राइज में इस फिल्म को खरीदा और रिलीज़ किया और रिलीज़ के बाद अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला जिस वजह से फिल्म को बाद में लेटर हिंदी डब करवाया गया जिसको गोल्डमाइंस वालों के साथ कंबाइंड होकर Amazon Prime Video ने इस फिल्म को डब किया हुआ है जिसकी डबिंग काफी बेहतरीन है और इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन को डार्क के नाम के साथ रिलीज किया गया था तो ओवरऑल ये फिल्म आपको एज अ पैन इंडिया तौर पे रिलीज होती हुई नजर आई होगी जिसको इस फिल्म को रिलीज किया गया था OTT Amazon Prime Video पे तो ये फिल्म अभी आपको फिलहाल में ओटी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो पे देखने को मिलने वाली है जहाँ पे सुरा राय पोत्रो के नाम से तमिल में दूसरे सभी वर्जन के साथ कन्नड़ा तेलगू मलयालम और हिंदी वर्जन में उड़ान के साथ ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी तो अगर आपको ये फिल्म देखनी है हिंदी वर्जन भी देखना है या ओरिजिनल तमिल वर्जन देखना है तो आपको ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पे ही ऑफिशियली देखने को मिलेगी अगर आपके पास अमेजन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो ये फिल्म आप बिल्कुल वहाँ पे सूरा राय पोथ्रू के नाम से तमिल में और उड़ान के नाम से हिंदी में विथ इंग्लिश सब के साथ देख सकते हो जो आपको जरूर देखना चाहिए ये काफ़ी अमेजिंग फिल्म है इसे मिस नहीं करना चाहिए हिंदी वर्जन 4 अप्रैल 2021 को रिलीज किया गया था जिसको अच्छा खासा रिस्पांस मिला था जिस वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो वहाँ पे जाके देख सकते हो सूरा राय पोत्रो जो 2020 की इंडियन तमिल लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है सुधा कोंगारा ने इसके अलावा फिल्म की जो स्टोरी आइडिया है वो भी सुधा कोंगारा का ही था स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट और सुधा कोंगारा के ही आपको देखने को मिलेगी जहां पे स्क्रीन प्ले में उनको सालिनी उषा देवी और विजय कुमार ने हेल्प की हुई थी और इस फिल्म की जो कहानी है जो आइडिया है वो सिंपली फ्लाई अ टेकन और से, जो जी आर गोपीनाथ की एक बुक है उसके ऊपर बेस्ड है वहाँ से इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है हाँ फिल्म की कहानी में जरूर थोड़ी बहुत लिबर्टी ली हुई है सिनेमेटिक लिबर्टी ली हुई है लेकिन ओवरऑल फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है बेज जो मेन कोर पॉइंट है वो वहाँ से उठाया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो फिल्म के लीड एक्टर जो सूर्या है वही इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं साथ ही में उनके साथ गुणित मोंगा करके प्रोड्यूसर है वो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जहां पे सूर्या और मोंगा जो अपनी खुद खुद की प्रोडक्शन कंपनी है टू एंटरटेनमेंट और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट इन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अब बात करें फिल्म के लीड कास्ट की तो आपको लीड रोल में सूर्या मोहन बाबू परेश रावल और अपर्णा बाला मुरली देखने को मिलेंगे इसके अलावा काफी बड़ी लंबी सपोर्टिंग कास्ट है जहां पे उर्वशी करुणास विवेक प्रसन्ना कृष्णा कुमार काली वेंकट अच्युत कुमार जी ज्ञान विनोदी विद्यानाथन विशालिनी प्रकाश बेलवाडी रामचंद्रन दुराईराज आर एस शिवाजी पू रामू धन धनोआ प्रिया प्रिंस कसंद्रा सुपर गुड सुब्रमणी इलान इयाल सोप शेखर सोमशेखर थिल कुमार वर्षा नेर आरजे आनंदी और शेख जहां पे सेंथिल कुमार का आपको एक देखने को मिलेगा तो ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में है। तो ये सभी एक्टर मिलकर फिल्म में काम किया हुआ है मैं आगे आपको डिटेलिंग दूंगा कौन सा कैरेक्टर क्या रोल प्ले कर रहा था यानी कि कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा था उसके ऊपर भी डिटेलिंग देने वाला हूं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे तो अब बात करते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट की तो जिस तरह से कहा कि स्क्रीन प्ले सुधा कोंगारा का शालिनी उषा देवी और विजय कुमार का स्टोरी आइडिया और डायरेक्शन सुधा कोंगारा का है उसके बाद निरेशन किया हुआ है आर माधवन ने जिन्होंने तमिल वर्जन इस फिल्म को निरेट किया हुआ था सिनेमेटोग्राफर यानी कि कैमरा वर्क देखने को मिलेगा निकेत बोमी रेड्डी का एडिटिंग किए हुए सतीश सूर्या ने म्यूज़िक दिया हुआ है जीवी प्रकाश कुमार ने जो खुद एक लीड एक्टर भी है डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन कोविड की जो प्रोटोकॉल आए थे जिस तरह से थिएटर में ऑडियंस नहीं जा रही थी उस हिसाब से इस फिल्म को डायरेक्ट ओ टी पे रिलीज कर दिया गया था और उसके बाद इस फिल्म के बाद जिसके साथ ओ टी टी की डील की हुई थी वो थी अमेजन प्राइम वीडियो तो अमेजोन प्राइम वीडियो के साथ सूर्या ने अपने प्रोडक्शन के नीचे दो चार पांच फिल्में बनी है उसका डायरेक्ट ओ टी टी रिलीज के लिए साइन किया हुआ है यानी कि उन दोनों के बीच में कुछ चार पांच फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहाँ पे सूर्या राय पोत्रू के बाद जय भीम भी वहाँ पे ओ टी टी पे रिलीज हुई है जो सूरा राय पोत्रू से भी बड़ी धूम मचाई हुई थी उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे अभी बात कर ले थे इस फिल्म की कहानी के रिगार्डिंग जिस तरह से

उसकी कहानी से पहले मैं आपको बता दूँ इस फिल्म के रिलीज के रिगार्डिंग तो 12 नवंबर 2020 को इस फिल्म को करीबन 150 मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था जहां पे एडिटर सात्या सूर्या ने फिल्म को करीबन एक सौ मिनट का रखा हुआ था तमिल वर्जन के साथ साथ इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में भी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया था उसके बाद फिल्म को हिंदी डब वर्जन में एक महीने के बाद अमेजोन प्राइम वीडियो ने गोलमैंस के साथ मिलकर कोलाबरेट करके इस फिल्म को रिलीज़ किया करा था का नाम रखा गया था उड़ान तो नाम भी अच्छा है कहानी जो जिस तरह की कहानी है उस हिसाब से ये ना कि बेतुका नाम रखा हुआ है जैसे कि सराय नोडू यानी दिल वाला और इस टाइप के कुछ नाम पहले आया करते थे उस टाइप के नाम भी इस फिल्म में देखने को नहीं मिलेंगे अब सुरा राय पोत्रू का मैं आपको अभी रिव्यू बताने वाला हूँ जहाँ पे फिल्म की कहानी के साथ प्लस और माइनस पॉइंट और टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में हम बात करेंगे तो अब सुरा राय पोत्रू के रिव्यू के ऊपर हम चाहते हैं तो फिल्म की कहानी के ऊपर बात करेंगे जहां पे चंद महेश जिसका रोल प्ले करे सूर्या जो एक वेल एजुकेटेड यूथ है और उसका सपना काफ़ी बड़ा है उसका सपना ये है कि वो एक बड़ी एयरलाइन स्टार्ट करे जहाँ पे वो इसे उसके लिए पायलट की कोर्स करता है उसकी पढ़ाई करता है और वो एक पायलट भी बन जाता है जैसे समय बीतता है उसके फ्रेंड्स के साथ वो जॉब कर रहा होता है जो वेल सेटल जॉब रहती है उस जॉब को वो छोड़ देता है अपने ड्रीम को पाने के लिए सभी दोस्त मिलकर वो जॉब छोड़ देते वो एक पहली लो कॉस्ट एयर डे के एयर स्टार्ट करना एयरलाइन स्टार्ट करना चाहते जिसके लिए उन्होंने ये जॉब छोड़ी हुई है तो अब ये सूर्या का जो कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है नीडू मारन जिसको ये जॉब छोड़ने की वजह से काफ़ी सारा सा, ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं लेकिन वो अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहता है और साथ ही में वो कुछ बड़े नाम है इस इंडस्ट्री में जैसे कि परेश गोस्वामी यानी कि जो रोल प्ले करे परेश रावल उनके साथ मीटिंग करने की ट्राई करता है लेकिन वहाँ से उनको उतनी बढ़िया तरीके से हेल्प नहीं मिलती है उल्टा उनकी तरफ से जो उनको बाहर निकालने की ज़्यादातर धमकियाँ दी जाती है तो उसके बाद की कहानी ये है कि निडू मारन किस तरह से अपने सपनों को फुलफिल करेगा साथ ही में जो डेकन एयर है उनकी जो कंपनी है जहाँ पे वो लो कॉस्ट एयरलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं उसको वो कैसे कंप्लीट करेगा उसको लॉन्च कैसे करेगा उस उस सभी चीज़ों को करने के लिए उसको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा वही सब जर्नी आपको फिल्म में देखने को मिलेगी जिसको काफी बेहतरीन वे में सुधा कोंगारा जी ने दिखाई हुई है इस फिल्म के प्लस पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सूर्या उन्होंने इस फिल्म में अपने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है इसके बाद जय भीम आई हुई थी वहां पे उनकी परफॉर्मेंस इससे भी बेहतर नजर आएगी इंटेंसिटी फिल्म में जो इस तरह से देखने को मिलती है वो सभी चीज़ें सूर्या ने अपने कैरेक्टर में बढ़िया तरीके से डाली हुई है अभी तक उनकी जितनी भी परफॉर्मेंस उनके देखने को मिली है उसके मुकाबले इस फिल्म के परफॉर्मेंस कुछ अलग ही लेवल वाली देखने को मिलती है सीन बाय सीन वो जिस तरह से अपने कैरेक्टर के साथ चीज़ें डिलीवर करते हुए नजर आते हैं वो आपको इंप्रेस कर देंगे साथ ही में उनके कैरेक्टर में जो एक सपने फुलफिल करने के जो एक जुनून दिखाया हुआ है उस जुनून के प्रति उनका कैरेक्टर किस तरह से एक पागलपन वाला देखने को मिलता है उन सभी चीजों में उन्होंने बढ़िया तरीके से बैलेंस करके अपना काम दिखाया हुआ है इंटरवल सीन में जिस तरह से जो सभी चीजें दिखाई हुए सपना टूट जाता है उन सभी चीजों को किस तरह से उन्होंने क्रिएट किया हुआ है साथ ही में जो क्लाइमेक्स एपिसोड क्रिएट किया हुआ है वो सभी चीजें हमारे इमोशंस को काफी बढ़िया तरीके से पकड़ती है उन सभी इमोशंस का एक रोलर कोस्टर आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करेगा सूर्या परफेक्ट वे में पूरा सो स्टील नजर आते वो द वाला जो लाइन होता है ना उसी टाइप का ही काम था उनका फिल्म में फर्स्ट सीन से लेकर लास्ट तक वही आपको पूरी तरह से अपने फिल्म के प्रति बांध के रखेंगे जिसकी वजह से फिल्म आपको काफी ज्यादा एंगेजिंग और साथ ही में इंप्रेसिव काम नजर आएगा और इस फिल्म में आपको वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर की बात करें सूर्या के अलावा तो अपर्णा बाला मुरली जो सेकंड जो हीरोइन का रोल प्ले कर रही है और उन्होंने सूर्या के कैरेक्टर को जिस तरह से सपोर्ट किया हुआ था आप सुपर वे में इंप्रेस हो जाओगे उनका वो परफॉर्मेंस काफ़ी मेच्योरिटी वाला नज़र आ रहा था उसमें जिस तरह से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की हुई है जिस तरह सूर्या के साथ में उनकी केमिस्ट्री देखने को मिलती है उनके लुक्स उनके एक्सप्रेशन उनकी बॉडी लैंग्वेज वो जिस तरह से अपने इमोशंस डिलीवर करती है उनके फेशियल एक्सप्रेशन उन सभी चीजों में वो बढ़िया नजर आ रही थी सूर्य के साथ इतनी सॉलिड वे में उन्होंने केमिस्ट्री क्रिएट की हुई थी जो फिल्म के बेसिक और मेजर एसेट है जो फिल्म के प्रति हमें और बेहतर वे में कनेक्ट करते है और उन्होंने जिस तरह से उनके वाइफ के रोल में अपना डिलीवर परफॉर्मेंस डिलीवर किया वो सुप्रीमरी वेल नज़र आ रहा था मोहन बाबू उनके पास उतना स्क्रीन टाइम नहीं था लेकिन तीन चार सीन में भी वो हमें आसानी से इंप्रेस कर जाते हैं उनका वो कैरेक्टर बढ़िया तरीके से एक डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहता है जिस वजह से फिल्म के वो छोटे मोटे किरदार भी आपके दिमाग में छप जाते हैं साथ ही में दूसरे सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने जिस तरह से काम किया हुआ था वो नेचुरल और बढ़िया नज़र आ रहा था इस फिल्म की सबसे बड़ी बात वो इमोशनल एस्पेक्ट फिल्म के जो इमोशनल चीजें है उसको डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था साथ ही में उन सभी चीजों को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है जिस तरह से एक नेरेशन दिखाया हुआ है उसके ऊपर सभी एक्टर की जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है तो वो सभी चीजें फिल्म को और ज्यादा स्ट्रोंग कर रही थी इमोशन बढ़िया तरीके से हमारे लिए वर्क करते हुए नजर आते जिस वजह से फिल्म के जो एक सपना होता है कि एक एयरलाइन स्टार्ट करना है लो कॉस्ट वाली तो उन सभी चीजों में जो इमोशन अलग अलग तरीके से हमारे सामने पेश किए जाते मदरसन का रिलेशन हस्बैंड वाइफ का एंगल देखने को मिलता है सूर्य और परस राहुल के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट देखने को मिलता है तो उन सभी एपिसोड को इतना बेहतरीन इमोशनली कनेक्ट किया हुआ इमोशन के साथ दिखाया हुआ है जो हमें काफी बढ़िया तरीके से ग्रिपिंग मैनर में पेश करते हुए नजर आते हैं तो वो एपिसोड हमें जरूर कनेक्ट करते है और एंगेजिंग भी रखते हैं परेश रावल जो अपने रोल में काफ़ी क्लासी नज़र आ रहे थे वैसे तो उनके एक्टिंग पे सवाल उठाना मतलब कि काफ़ी बड़ी बात हो गई वो अपने परफॉर्मेंस से काफ़ी बढ़िया तरीके से देव क्रिएट करने में कामयाब रहे उनकी परफॉर्मेंस फिल्म को और भी बेहतर लेवल पे ले जाती है जिस तरह से उनके कॉन्फ्लिक्ट प्लॉइट देखने को मिलते हैं सूर्या के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ है वो कन्फ्रंटेशन वाले सीन काफ़ी बढ़िया थे वो सभी चीज़ें फिल्म को और देव क्रिएट करने में कामयाब रहती है इन सभी चीज़ों के अलावा जो प्रोडक्शन डिजाइन आपको देखने को मिलती है वो बढ़िया थी फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू हाई नजर आ रही थी काफी सोलिड प्रोडक्शन डिजाइन थी साथ ही में जो विजुअल्स थे वो बढ़िया तरीके से जो इरा दिखाया हुआ था जो समय गाला दिखाया हुआ था उसको सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सुपर मैनर में, में क्रिएट किया हुआ था साथ ही में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके कुछ ऐसे सिक्वेंस देखने को मिलते हैं जो आप में काफ़ी बढ़िया तरीके से घुस क्रिएट कर देंगे जो सिक सिक्वेंस और सीनारियो दिखाया होता है वहाँ पर आपको आ, आर्ट वर्क काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा और आर्ट डायरेक्टर ने जिस तरह से उन सभी चीज़ों को क्रिएट किया हुआ है वो आपका दिल जीत लेंगे क्योंकि उन सभी चीज़ों में आपको एक नेचुरलिटी ज़रूर नजर आएगी और उन्हीं के साथ जो गुशबं वाले सीन देखने को मिलते हैं उसमें डायरेक्टर की तारीफ करनी पड़ेगी जो गुजब ओरिएंटेड सीन्स थे उसको काफी वेल तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था जो आपको इम्प्रेस भी करेंगे एंगेजिंग एंगेजिंग भी रखेंगे और फिल्म का जो नरेशन है वो अंत तक आपके साथ बने रहेगा माइनस पॉइंट की बात करें तो फिल्म काफी सीरियस नोट के साथ चलती रहती है जहाँ पे रेगुलर ऑडियंस है जो फिल्म के प्रति जो सूर्य की फिल्में देखती आई है उनको एक्शन चाहिए या फिर कुछ कॉमेडी रोमांस ये सभी चीज़ें चाहिए तो वो इस फिल्म में जरूर उनको मिसिंग लगेगी हालांकि ये फिल्म का टोन ही अलग है तो उस टाइप की ऑडियंस शायद इस फिल्म से इस फिल्म को देखने आएगी तो अगर वो देखेगी तो वो शायद डिसअपॉइंट हो सकती है अदरवाइज फिल्म काफ़ी मजबूत और भारी है फिल्म की पेस जरूर थोड़ी स्लो नजर आएगी कहाँ पर जिस तरह से स्टोरी को अनफोल्ड किया जाता है वो डिटेलिंग मैनर में किया जाता है तो फिल्म के पहले दस मिनट आपको थोड़े थोड़े फिल्म के टेन पोस्ट इंटर्वल, इंटर्वल के मिनट्स और इंटरवल इंटरवल पहले वो थोड़े डल नज़र आएंगे थोड़ा मेलो ड्रामा देखने को मिलेगा कुछ स्ट्रगल वाले रिपेटिटिव सीन बार बार देखने को मिलेंगे सूर्य किस तरह से रिपेटिटिवली उन सभी चीजों को दिखाया जाता है स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं तो वो सभी चीजें शायद आपको थोड़ी ज्यादा स्लो पेस करती हुई नजर आएगी फिल्म को स्लो करती हुई नजर आएगी इस फिल्म को थोड़ा फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो दिखाया हुआ था कि सूर्य किस तरह से एयरलाइन स्टार्ट करने के लिए पैसा इकट्ठा करता है तो उन उन सभी पॉइंट को उतना बेहतर वे में वो नहीं दिखा पाए जहाँ पे वो एक टाइम पे पंद्रह हजार रुपए के लिए भी अपने पास नहीं थे जहाँ पे उन, उस पैसे के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे तो उसके बाद में उनका जो एयरलाइन स्टार्ट करने का सपना वो सभी चीजें थोड़ी आर्टिफिशियल नजर आ जाती है थोड़ी लाइन खींचती हो ऐसा नजर आता है बाकी ओवरऑल फिल्म काफी बेहतरी थी टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट इतने स्ट्रांग नजर आएंगे जिस वजह से फिल्म टेक्निकली काफी स्ट्रोंग नजर आती है एक पॉइंट तो वही है जो फिल्म आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करके रखती है म्यूजिक की बात करें बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो फिल्म के सबसे मेजर प्लस पॉइंट है जहाँ पे जीवी प्रकाश कुमार जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है वो बढ़िया तरीके से इस फिल्म में अपना म्यूजिक देते हुए नजर आते इस प्रोसीडिंग में वो अच्छा तरीके से अपन को फिल करवाने में कामयाब रहते हैं जिस तरह से मैंने कहा कि फिल्म में काफ़ी सारे इमोशनल एंगल देखने को मिलते हैं उन सभी एंगल को वो अच्छी तरह से हमारे सामने वो अपने म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट करने में कामयाब रहते हैं उन सभी इमोशंस को म्यूजिक के थ्रू अच्छी तरह से कनेक्ट करने में कामयाब रह जाते कैमरा वर्क काफ़ी शानदार देखने को मिलता है सिनेमेटोग्राफर ने

इसके अलावा फिल्म की जो हिंदी डब वर्जन की डबिंग है वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती है हाँ परेश रावल वाले किरदार की डबिंग उतनी खास नहीं की गई लेकिन ओवरऑल डबिंग की बात कर काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती है इसके अलावा फिल्म में जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन देखने को मिलता है वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से प्लान किया हुआ था सभी चीज़ें परफेक्टली प्लान करके क्रिएट की हुई थी जो आपको जरूर फिल्म देखते हुए महसूस होगी डायरेक्टर सुधा कोंगारा जो एक बार फिर से अपनी फिल्मों से प्रो करती हुई नज़र आती है कि उनकी फिल्म देखने लायक क्यों होती है इससे पहले उनकी जो शाला खडूस फिल्म आई थी वो भी उतनी ही बेहतरीन फिल्म थी इस फिल्म में वो जिस तरह से हमारे सामने कुछ बेहतरीन वे में फिक्शनल एलिमेंट के साथ वो इफेक्ट्स को दिखाने में कामयाब रही है जो जिस तरह से मेनका की फिल्म की कहानी एक बुक के ऊपर बेच रहे तो वहाँ से कुछ कोर पॉइंट उठाकर जो फिक्शनल एलिमेंट एड करके कर उन्होंने जिस तरह फिल्म को नेरेट किया हुआ है तो वो सभी चीज़ें इंगेजिंग और एंटरटेनिंग नज़र आ रही थी

है उन सभी चीज़ों को उन्होंने काफ़ी बेहतरीन वे में हमारे सामने पेश किया हुआ है तो सुधा कोंगारा पूरी तरह से अपनी फिल्म के साथ हमें बनाए रखती है जिस वजह से ये फिल्म का नरेशन काफ़ी मजबूत था इमोशनल पार्ट काफ़ी मजबूत थे एक्टिंग काफ़ी मजबूत थी म्यूज़िक काफ़ी मजबूत था कैमरा वर्क काफ़ी बेहतर था डबिंग इतनी बेहतरीन थी तो फिल्म में खामियां का निकालना बहुत कम है कमियां बहुत कम है फिल्म में हाँ एक दो कमी आपको शायद खल सकती है बाकी ओवरऑल बात करें तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसे मिस नहीं करना चाहिए एक क्लास ऑडियंस के लिए बनी फिल्म है मास ऑडियंस को भी पसंद आएगी और फैमिली को भी पसंद आएगी अगर वो इस फिल्म में इन सभी एस्पेक्ट को देख फिल्म देखते हैं तो और बेहतर रहेगी तो ओवरऑल बात करें तो आप सुराराय राय जिसको तेलुगु में नाम दिया था आकाशम नी हाडूरा और इसके अलावा हिंदी में नाम दिया था उड़ान तो इस फिल्म को आप तो जरूर देखना चाहिए ये फिल्म इस तरह से डायरेक्टर ने बनाई हुई है जिस वजह से एक मोटिवेशन भी मिलता है साथ ही में फिल्म आपको बढ़िया तरीके से कनेक्ट भी करके रखती है जहाँ पे सूर्य सूर्य का अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर में जो इमोशन का रोलर कोस्टर दिखाया हुआ है जिस ड्रीम फुलफिल करने में जो इमोशंस दिखाए हुए वो बढ़िया थे फिल्म का सेटअप अच्छा था स्टोरी बढ़िया थी उसका नरेशन बढ़िया था अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिलते प्रोडक्शन वैल्यू सुपर थी वे अच्छा था म्यूजिक उससे भी शानदार था एंगेजिंग ड्रामा देखने को मिलता है साथ ही में सीन बाई सीन जिस तरह से जो सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो और भी बेहतरीन तरीके से हमारे सामने कनेक्ट होता है तो फिल्म की अगर थोड़ी बहुत स्लो पेस को आप इग्नोर कर दोगे तो ये एक वेल मेड रिसेंट टाइम की फिल्म है जो क्लास ऑडियंस के साथ सभी ऑडियंस को पसंद आएगी जहाँ पे आप ज़रूर इस फिल्म के थ्रू इंस्पायर होंगे तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए मिस नहीं करनी चाहिए अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म को हिंदी में डब करवाए तमिल में भी अपलोड किया हुआ है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह फिल्म अगर आपके पास सब्सक्रिप्सन है तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो जहाँ

परेश गोसामी के रोल में दिखाई देंगे अपर्णा बाला मुरली को सुंदरी बोम्मी निमारन यानी कि मारा की वाइफ का रोल दिया गया है उर्वशी जो पेची यानी कि मारे की माँ के रोल मा में दिखाई देंगी करुणा जिनको अल्पराय का रोल दिया गया है विवेक प्रसन्ना जो स्टेबस्टियन के रोल में दिखाई देंगे कृष्णा कुमार जिनको चैतन्य चय राव का रोल दिया गया है काली वेंकट को काली का रोल दिया गया है अच्युत कुमार आनंदा नारायण का रोल में दिखाई देंगे जी ज्ञान संबंधम जो चिन्ना स्वामी यानी कि बॉम्मी के फादर के रोल में दिखाई देंगे विनोदिन विद्यनाथन जो चित्र राम स्वामी के रोल में दिखाई देंगे विशालिनी जो मुथुलक्ष्मी लक्ष्मी की माँ के, मा के रोल में दिखाई देंगी प्रकाश बेलवाड़ी जिन्होंने प्रकाश बाबू का रोल प्ले किया हुआ है रामचंद्रन दुराईराज जिन्होंने अरिवू आर एस शिवाजी ने अनंत नारायण पाका और पू रामू ने राजंगम मारा के फादर के रोल में दिखाई I mean. देंगे डान धनो जिन्होंने विमल पलैया का रोल प्ले किया हुआ है प्रिया प्रिंस जिन्होंने सेबी की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है कासंद्रा ने प्रीति यानी कि चेस के लवर का रोल प्ले किया हुआ है सुपर गुड सुब्रमण्य को मैरिज ब्रोकर के रोल में रो रोल दिया गया था इलान सेबिस के सन और इियाल भी सेबिस के डॉटर के रोल में दिखाई देती है सोम शेखर जिनको आई एफ कैडेट का रोल दिया गया है सेंथिल कुमार जो अपने ही सैंतिल कुमार के ही के कैरेक्टर में स्पेशल अपेयरेंस देते हुए नजर आएंगे वर्षा नायर जो एक पायलट के रोल में है आरजे आनंदी जोश ट्यू रोडर के रोल में दिखाई देती है शेख मेडन जो ए पी जे अब्दुल कलाम के किरदार में दिखाई देंगे तो ये सभी एक्टर है जिन्होंने इन सभी कैरेक्टर को डिलीवर किया हुआ है जो भी मैंने आपको कहानी बताई उसमें ये सभी रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे डेवलपमेंट की बात करें तो 2009 में सुधा सुधा कोंगारा ने इस फिल्म के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट किया था और उसके बाद में फाइनली फिल्म का जो कहानी है जो कास्टिंग है वो सभी कंप्लीट करने के बाद 13 अप्रैल 2019 को फिल्म का टाइटल सोरा राय पोत्रो विविध पोस्टर रिलीज कर दिया गया था और उसके बाद में फिल्म को जो कोविड 19 के चलते काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिल्म को डायरेक्ट ओ पे बेच दिया गया था जिसको ओ पे अच्छी खासी प्राइस में बेचा गया था करीबन इस फिल्म को, को इस फिल्म से प्रोड्यूसर्स को शायद तीस चालीस करोड़ का मुनाफा हुआ था उसके बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो ने भी सूर्या के प्रोडक्शन के साथ चार पांच फिल्मों का साइन किया हुआ था जहाँ पे जय भीम भी शामिल है जो भी काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी जो इससे बड़ी तरीके से वर्क कर गई थी सूरा पत्र के साउंड ट्रेक की बात करें तो वो 2019-20 में रिकॉर्ड किया गया था सोनी म्यूजिक के पास इस फिल्म के राइट से जी प्रकाश प्रकाश कुमार ने इस फिल्म का म्यूज़िक दिया हुआ है चौबीस जुलाई दो

अब इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स की बात करें तो तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ा जो टोटल चार वर्जन है साउथ इंडियन उसके सभी राइट सन टीवी के नेटवर्क के पास है सन नेटवर्क ने इसके राइट्स खरीदे हुए हैं जिन्होंने इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल के मौके पर किया हुआ था थिएट्रिकली जैसे कि मैंने कहा था तेईस अगस्त दो को इस फिल्म में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन बाद में कोविड नाइन्टीन के चलते चीज़ें सही नहीं गई चीज़ों को सही नहीं जाने की वजह से थिएटर अच्छे नहीं चल रहे थे थिएटर में फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी थी प्रॉपर वे में ऑडियंस नहीं आ रही थी जिस वजह से रिस्क ना लेते हुए उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी टी प्लेटफॉर्म को बेच दिया जिसके बाद अमेजॉन प्राइम वीडियो ने अच्छी खासी प्राइस में इस फिल्म को ख़रीदा और रिलीज़ किया और रिलीज़ के बाद अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला जिस वजह से फिल्म को बाद में लेटर हिंदी डब करवाया गया जिसको गोलमाइंस वालों के साथ कंबाइंड होकर Amazon Prime Video ने इस फिल्म को डब किया हुआ है जिसकी डबिंग काफ़ी बेहतरीन है और इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन को उडान के नाम के साथ रिलीज़ किया गया था तो ओवरऑल ये फिल्म आपको एज ए पेन इंडिया तौर पे रिलीज़ होती हुई नजर आई होगी जिसको इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था ओ टी टी अमेजन प्राइम तो ये फिल्म अभी आपको फिलहाल में ओटी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम वीडियो पे देखने को मिलने वाली है जहाँ पे सोरा राय पोत्रो के नाम से तमिल में दूसरे सभी वर्जन के साथ कन्नड़ा तेलगू मलयालम और हिंदी वर्जन में उड़ान के साथ ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी तो अगर आपको ये फिल्म देखनी है हिंदी वर्जन भी देखना है या ओरिजिनल तमिल वर्जन देखना है तो आपको ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो पे ही ऑफिशियली देखने को मिलेगी अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो ये फिल्म आप बिल्कुल वहाँ पे सूरा राय पोथ्रू के नाम से तमिल में और उड़ान के नाम से हिंदी में विथ इंग्लिश सब के साथ देख सकते हो जो आपको जरूर देखना चाहिए ये काफ़ी अमेजिंग फिल्म है इसे मिस नहीं करना चाहिए हिंदी वर्जन 4 अप्रैल 2021 को रिलीज किया गया था जिसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था जिस वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो वहां पे जाके देख सकते हो तो बस आज की वीडियो में इतना ही था तो इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थी जो बातें थी वो सभी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है ये सभी चीज़ें आपको कैसी लगी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू